Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanchi and welcome to Let's Learn. तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागॉजी इन वन शॉट. आप देश भर के किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं जहाँ पे भी हिंदी पेडागॉजी पूछी जाती है, स्पेशली इन CTET, जहाँ पे भी, चाहे वो रीट हो चाहे वो अदर स्टेट्स के आपके एग्जाम हो, तो हिंदी पेडागॉजी एक वीडियो में रहेगी जिसमें हम बिल्कुल की पॉइंट्स, जो जरूरी चीज़ें हैं हिंदी पेडागॉजी की, कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन कोशिश रहेगी कि रिवीजन की पॉइंट्स का फटाफट से कर सकें ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं. जो लोग पहली बार भी पढ़ रहे हैं उनका भी इंटरेस्ट बन जाएगा ये वीडियो देखने के बाद. और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, मान लीजिए 15 नंबर की आती है, तो आप 10-12 नंबर आराम से ले आएंगे. जो थोड़ा बहुत और एफर्ट कर लेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री नोट्स का लिंक है, वो निकाल लीजिए आप और उनको पढ़ लीजिए, तो आप और बेहतर स्कोर कर पाएंगे. चीज़ें ऑलमोस्ट जो ज़रूरी है सभी को कवर करने की कोशिश की गई है. इससे पहले आप इंग्लिश पेडागॉजी इन वन शॉट देख चुके हैं, EWS इन वन शॉट देख चुके हैं, CDP के लिए हमने कई सारे सेशंस, 4 सेशंस में CDP को कंप्लीट किया है क्योंकि इस बार थोड़ी हैवी हुई थी. और मैथ्स पेडागॉजी का सेशन कल होगा. इतना आप प्रीवियस मैराथन भी देख सकते हैं. मैथ्स पेडागॉजी के लिए सिलेबस चेंज नहीं हुआ है और क्वेश्चंस का टाइप भी वैसा ही है मैथ्स पेडागॉजी का. तो और नोट्स तो आपको मैं दे ही चुकी हूँ, तो कल नहीं तो परसों हम मैथ्स पेडागॉजी भी करेंगे. और हो सकता है कि CDP इन वन शॉट भी मैं करा दूँ. वन शॉट नहीं कराएंगे, वन शॉट इन्हीं को रहने देते हैं. चलिए खैर बढ़ते हैं आगे. लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा. जैसे जैसे आप आते जाएं, ये टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF भी मिल जाएगा और फ्री नोट्स भी आपको वहाँ मिल जाएंगे. यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके माध्यम से भी आपको मिल जाएंगे नोट्स. शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो लोग हैं, आप मैथ्स के लिए मना करके मेरा दिल ब्लॉक कर दिया. रिचा, परसों हो जाएगा मैथ्स, डोंट वरी. जिनका कल और परसों का एग्जाम है ना, वो थोड़ा सा मैनेज कर लें. मैं भी मतलब व्यक्ति ही हूँ, इंसान ही हूँ, जीव ही हूँ. चीज़ें ऑलरेडी इतनी सारी हैं. और ऐसा नहीं, अगर पुरानी मैराथन नहीं होती तो मैं करा भी देती, ठीक है ना. तो डोंट वरी, नोट्स आपको दिए हुए हैं. ठीक, तो मैंने अपनी बैचेस की भी क्लासेस कैंसिल करके आप लोगों के लिए काम किया है. इतने सारे नोट्स पे जो फोकस हुआ है, अलग अलग जो आपको मिले हैं, जो बाकी सेशंस हुए हैं, तो जो नहीं, और वो भी 2 दिन के लिए, मतलब कल और परसों की जिनकी शिफ्ट है, उसके बाद तो हो ही जाएगा, डोंट वरी. चलिए स्टार्ट करें आज की कहानी. आप लोग आते जाइए, जुड़ते जाइए और हम पढ़ते जाएंगे. बहुत आसान लगेगा, डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना. हाँ देखिएगा, अगर हम भाषा की बात करते हैं, फटाफट से समझेंगे, जो इस बार स्टीफन क्रशन वगैरह भी इन्होंने पूछ लिया, उस पर भी आएंगे. भाषा की जब हम बात करते हैं तो भाषा हमें पता है संप्रेषण का माध्यम है, यानी अपनी बात को कहने का, अपने आप को अभिव्यक्त करने का एक साधन है, दूसरे की बात को सुनने का एक साधन है. तो लेकिन ये एक साधन मात्र नहीं है. भाषा के बहुत सारे प्रकार हैं कि ये परिवर्तनशील है, डायनेमिक है, समय के साथ चेंज होती है ना. भाषा क्या है, एक अपने आप में स्वतंत्र चीज है. अगर हम बात कर रहे हैं भाषा की तो हम अभिव्यक्त भी कर सकते हैं इसके द्वारा, महसूस भी कर सकते हैं, चिंतन भी कर सकते हैं. तो हम कहेंगे भाषा विचारों की अभिव्यक्ति, यानी एक्सप्रेशन ऑफ थॉट. महसूस करना, जो आप फील करते हैं वो भी तो लैंग्वेज के माध्यम से फील करते हैं ना. कई बार आप गाने सुनते हुए, शायरी पढ़ते हुए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं बेसिकली. चिंतन, थिंकिंग भी, अगर हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है तो वो भी हम भाषा के माध्यम से करते हैं. तो भाषा विचारों की अभिव्यक्ति, महसूस करने व चिंतन का एक माध्यम है, एक साधन है. संप्रेषण का भी एक साधन है, ज्ञान की वृद्धि का भी एक साधन है, या हम कहें जो हम एकेडमिक्स में, जो हम अध्ययन और अध्यापन का भी एक साधन है. तो इस तरह के बहुत सारे प्रकार यानी फंक्शन भाषा के हो सकते हैं. बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है. टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं. अब भाषा के रूप की जब हम बात करते हैं, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, तो ये 3 रूप हैं. एक है मौखिक भाषा, जब आप मौखिक रूप से बात कर रहे हैं एक दूसरे से. एक पर्सन A है और दूसरा पर्सन है B. तो पर्सन A अपनी सहेली से बात कर रहा है और पर्सन B भी अपनी सहेला से बात कर रही है. ठीक, तो बेसिकली ये दोनों क्या कर रहे हैं, मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं. जैसे मैं अभी मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही हूं, आप अभी लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, चैट सेक्शन में, लाइव में चैट करते हुए या बातें लिखते हुए. कोशिश कीजिएगा कमेंट्स पे फोकस कम करें और सीखने पे या सुनने पे, ध्यान रखने पे फोकस करें. जिनके नोट्स प्रिंट नहीं हो रहे हैं, मैं दोबारा से शेयर कर दूंगी वो EWS वाले नोट्स ताकि वो प्रिंट हो जाएं, डोंट वरी. ठीक, फिर आती है लिखित भाषा, जिसको हम रिटन लैंग्वेज कहते हैं. मौखिक भाषा क्या है, जो हम उच्चारण के माध्यम से अपनी बात कह पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं. हम टीवी देख पा रहे हैं तो समाचार, हम या कोई सीरियल भी देखते हैं अगर, है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, या रसोड़े में कौन था, ये सब क्या है, ये आप मौखिक भाषा के माध्यम से ही समझ पाते हैं. आप ये वीडियो देख रहे हैं, मौखिक भाषा के माध्यम से ही समझ पा रहे हैं. साथ में लिखित का भी प्रयोग हुआ है, आप उधर से लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं. ठीक, तो जो नॉर्मल हम आम बोलचाल में बातें करते हैं वो किसमें आती है, मौखिक भाषा का ही एक रूप है. प्रगति, बात सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है. लिखित भाषा क्या है, यानी लिख करके समझना, चीजों को क्या करना, लिख करके समझना, या फिर लिख करके आप अपनी बात कोई पत्र के माध्यम से कह सकते हैं. कोई आपको प्रॉपर्टी का काम कराना है, कोई आपको नौकरी लगेगी कल को तो उस पर साइन करने हैं, कॉल लेटर आया है ना. तो लिखित भाषा मतलब हमने फिर लेखन को डेवलप किया कि भाई लेखन जो है वो ज्यादा बेहतर चीज है, या हम कहें ज्यादा स्थायी है मौखिक के तुलना में. तीसरा प्रकार है सांकेतिक भाषा, जो लोग बोल नहीं सकते जो लोग लिख नहीं सकते या दोनों भी कर सकते हैं तब भी क्या है, संकेतों के माध्यम से हम अपनी बात को समझाने का प्रयास करते हैं। वो जिन लोगों को बोलने में समस्या होती है, जो मूक बधिर हैं, उन लोगों के लिए ये काफी हेल्पफुल है। बाकी सांकेतिक भाषा अपने आप में एक प्राकृतिक भाषा हम इसको मानेंगे, ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रॉब्लमेटिक भाषा है ना। आपने वो न्यूज़पेपर बोल रही हो, न्यूज़ में आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स में कि हाथों का प्रयोग करके, जेस्चर्स का, हाव भाव का प्रयोग करके संकेतों के माध्यम से अपनी बात कही जाती है। जब आपको किसी को बुलाना होगा तो आप मुंह से नहीं बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं। ये क्या हुआ, आपको समझ आ गया कि आप किसी को बुला रहे हैं, संकेत कर रहे हैं आप, है ना। कोई आपसे कह रहा है अरे ये पेपर तो बहुत टफ आएगा, फलाना होगा, ये होगा, आप कह रहे हैं ठीक है। तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है भी मैं बोल रही हूँ, आपने कहा जाओ निकलो, मतलब हाथ से आप इशारा कर रहे हैं, हाँ ठीक है सुन लिया तुम्हारी बात, अब अपना काम कर लो, हम अपना काम कर लेते हैं। तो मौखिक भाषा जब आप बोल करके, उच्चारण करके अपनी बात को कह रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और हिंदी वाले नोट्स भी रात में ही मिल जाएंगे गणित के। लिखित की जब हम बात कर रहे हैं तो हम, और इंग्लिश वाले ईवीएस के, तो लिख करके अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं और सांकेतिक संकेतों के माध्यम से। बेसिक बात है, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमें इतना पता है कि जो लिखित भाषा है वो मौखिक भाषा की तुलना में अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो लिखित भाषा है वो मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। क्या होती है? अधिक स्थायी होती है। यानी आपको कोई ऑफिशियल वर्क करना है, कोई एक भाषा होती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लिष्ट भाषा कहते हैं, यानी जो बिल्कुल कार्यालयों में या समाज के उच्च वर्ग के द्वारा यूज होती है उसको क्लिष्ट भाषा कहते हैं हम। ठीक, तो जो भाषा है, आप मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी के पेपर साइन कराने जा रहे हैं, अच्छा जिसकी प्रॉपर्टी, उसने कहा हाँ ठीक है मान लिया ये आज से आपकी है, आप कह रहे हैं अच्छा कानूनी कार्यवाही कर लें, पेपर वर्क कर लें, उसने कहा नहीं नहीं मैंने कह तो दिया है आपकी है। तो वो कह तो दिया वाली बात इतनी स्टेबल, इतनी स्थायी नहीं होती, वो अस्थायी होती है। लिखित बात पक्की हो जाती है कि लिख के ले लो यही होगा, हम कहते हैं ना। और उस गाने का भी मैं बार बार आपको एग्जाम्पल, मैम डर लग रहा है, सब पढ़ लिया है बट फिर भी डर लग रहा है, क्या करूं, बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ। मनीष ये आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ होता है कि डर अंत तक लगता है। कई लोग पढ़ते जाते हैं अंत तक, कई लोग पढ़ना छोड़ देते हैं एक दिन पहले, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बट इसमें अगर हम बात करें, मिल जाएगा इंग्लिश वाले नोट्स ब्रेश, अभी रात को ही मिल जाएंगे, वो फाइनल हो चुके हैं। तो अगर हम बात करें मैथ्स और इंग्लिश दोनों के, जो हिंदी मीडियम वाला जो पंगा है ना वो भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने जो पढ़ लिया बस अब पढ़ लिया ना, पेपर में सब याद आ जाएगा, वहां आपको खुद से नहीं लिखना, आंसर्स होंगे, ऑप्शंस होंगे आपके सामने। तो अब जिसने पढ़ा है वो अपने आप दिमाग चलने लगता है, उसकी टेंशन मत लो, पहले से अब ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, अब तो जो होगा पेपर में देख लेना, कुछ परेशान होकर भी हो नहीं जाने वाला। तो अगर हम बात करें, लिखित भाषा जो है वो मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक स्थायी, और जो काम की चीजें, अगर आप लेट्स लर्न पे थे तो आपने काम की चीजें पढ़ी हैं, आपने सिलेबस को फॉलो किया है, आपने क्वालिटी चीजें पढ़ी हैं, ऑलरेडी आपको आती हैं चीजें। अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट नोट्स पढ़ने में किया है, पुराने मैराथन देख लिए हैं, इस बार के मैराथन देख लिए हैं, और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे। ठीक, तो हम ये कहेंगे जो लिखित भाषा है वो मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है, यानी ज्यादा स्टेबल है। लिख के लीजिएगा, अफसोस करोगे, मतलब इतना श्योर है व्यक्ति कि मेरे को छोड़ के जा रहे हो यदि, तो लिख के ले लो, अफसोस करोगे ही करोगे। दैट मीन्स श्योर होते हैं जब आप, पक्की बात कहते हैं जब आप, स्थायी बात कहते हैं जब आप, जो आसानी से परिवर्तित नहीं होती। जैसे संविधान है, बस बोल करके तो नहीं कह दिया, लिखित में है, तो लिखित चीज ज्यादा प्रमाणिक है, ज्यादा स्थायी है, बजाय कि ये ब्ला ब्ला अपना आपस में बातें कर देना। मूड हुआ तो कहा बेस्ट इंसान हो, मूड हुआ तो कहा कि तुमसे खराब नहीं है कोई, तो ये मूड पे नहीं चलती। मौखिक भाषा बदलने में कम समय लगता है, बहुत कम लोग होते हैं जो मौखिक भाषा जिनकी स्थायी के रूप में होती है कि उन्होंने जो कह दिया तो कह दिया। अब हम बात करते हैं भाषा अर्जन की। भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं इंग्लिश में इसको। भाषा अर्जन है जब आप बिना किसी टीचर के, बिना किसी शिक्षक के, सिर्फ एनवायरनमेंट से, सिर्फ वातावरण से, देखिए भाषा को सीखने में या अर्जित करने में दोनों ही तरह से एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है, वातावरण का बहुत बड़ा रोल है। तो भाषा अर्जन क्या है, जब आप स्वाभाविक रूप से, जब आप, इन शब्दों का ध्यान रखना है, स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से, या मैं कहूं अचेतन रूप से, कई जगह पे अवचेतन मिलेगा बट स्टीफन क्रैशन कह रहे हैं अचेतन होता है, अचेतन रूप से भाषा को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। यानी आपने अर्जित कर लिया, ग्रहण कर लिया, इसको अधिग्रहण या अधिग्रहण भी कहते हैं, भाषा अधिग्रहण भी कहते हैं, भाषा अर्जन भी कहते हैं, दोनों ही बातें हैं। एक्विजिशन इंग्लिश में कहते हैं, एक वर्ड है इंग्लिश में। ठीक, तो स्वाभाविक रूप से, अचेतन रूप से, जब आप नेचुरली अपने एनवायरमेंट में घूमते फिरते, आपका जन्म हुआ, आप आसपास आपने देखी चीजें, जो मम्मी बोल रही हैं, जो भाई बोल रहा है, जो पापा बोल रहे हैं, जो टीवी में आ रहा है, जो कार्टून में देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, चारों तरफ से भर रहे हैं आप, फिर आप भाषा को एक्वायर कर लेते हैं। कभी गलत बोलते हैं, फिर धीरे धीरे सही बोलने लगते हैं। तो यानी आप बिना किसी किताब के, बिना किसी नियम के, बिना किसी शिक्षक के, एक भाषा को बोलना सीख जाते हैं, सिर्फ एनवायरमेंट से, सिर्फ वातावरण से अर्जित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं एक तरह से, है ना। आपका कोई पर्सनल एफर्ट इसमें नहीं लगा, कोई प्रयास आपने सचेतन रूप से नहीं किया, कॉन्शियसली नहीं किया, अचेतन रूप से स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जब बच्चा स्कूल आता है तो उससे पहले उसको भाषा का प्रयोग करना, यानी जो उसकी मातृभाषा है, जो उसके घर में बोले जाने वाली भाषा है, उसका प्रयोग करना, उसको समझना ऑलरेडी आता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो आपकी मातृभाषा होती है तो बच्चे के स्कूल आने से पहले उसके पास समझ होती है उस चीज की, उस भाषा को इस्तेमाल करने की, उस भाषा को समझने की, उस भाषा में अपनी बात कह सकने की। फिर वो स्कूल आता है तो वो सेकेंड लैंग्वेज, दूसरी भाषा सीखता है या अन्य भाषाएं सीखता है, ठीक। तो हम कहते भी हैं कि भाई बच्चे को उम्र के साथ बोलना आ जाता है। तो एक बच्चा जो अपनी बात नहीं कह पा रहा है, उसकी मम्मी कह रही है कि बेटा ये तो तुम्हारे पास जेफरी, ये तो अब तुमको आ जाना चाहिए, ये तो पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस है। उम्र के साथ भाषा का बोलना तो स्वाभाविक बात है, ठीक। इतनी बात क्लियर है। हम सब ने ऐसी भाषा सीखी है, कोई आपको क्लासेस तो लगा ही नहीं थी कि घर में बात करनी है, दूध मांगना है, तो उसके लिए आप पहले क्लासेस में भाषा सीखने गए थे कि भाई मेरे को बता दो कि मम्मी से दूध कैसे मांगू, ऐसा तो नहीं हुआ था, ठीक है ना। देख देख करके, सुन सुन करके आसानी से आपने दिमाग में भर ली चीजें, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी, फोकस यहीं रखना है, बिल्कुल टू द पॉइंट चल रहे हैं, एक भी बात व्यर्थ की नहीं करेंगे। भाषा अधिगम, अब भाषा अधिगम की जब हम बात कर रहे हैं तो भाषा अधिगम आप देख रहे हो बोर्ड में पढ़ा रहे हैं। अभी वहां वो पार्क में बैठ के मम्मी और बेटा बात कर रहे थे या बेटी बात कर रहे थे पिछले वाले फोटो में, क्योंकि वो एनवायरमेंट में हो जाती है, खेलते कूदते हो जाती है, अचेतन प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। जबकि भाषा अधिगम जो है वो सचेतन प्रक्रिया है, कॉन्शियस एफर्ट, प्रयास लगेंगे, यहाँ पे औपचारिक शिक्षा लेनी पड़ेगी, वहां अनौपचारिक थी चीजें आप अपने घर से सीख जाते हैं। औपचारिक क्या है, आप स्कूल जा रहे हैं, आप विद्यालय से सीखेंगे, आप नियम सीखेंगे, आप व्याकरण सीखेंगे भाषा का, तब जाकर के आप कहीं भाषा सीख पाते हैं जो दूसरी भाषा होती है, ठीक है ना, तब जाकर के आप वो भाषा सीख पाते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे किताबें भी होंगी। तो मुख्य अंतर भाषा अर्जन और अधिगम के बीच जो मुख्य अंतर है वो है भाषा के वातावरण का, क्योंकि भाषा अर्जन आप उस भाषा का करते हैं जो आपके वातावरण में होती है, उसको आप एक्वायर कर लेते हैं, सचेतन नहीं, अचेतन ही रूप से, अनौपचारिक रूप से, बिना विद्यालय जाए, बिना शिक्षक के, बिना व्याकरण सीखे। यहाँ आपको व्याकरण भी सीखनी होती है, आप विद्यालय भी जाते हैं, आप सारे सचेतन प्रयास करते हैं, ठीक। तो ये मुख्य अंतर है अधिगम का और अर्जन का। इतनी बात क्लियर है। अगर दोनों में अंतर की बात करें तो मुख्य पॉइंट्स देख लेते हैं सिर्फ, क्या है ये, भाषा अर्जन और दूसरा है भाषा अधिगम। अर्जन हमें पता है एक्विजिशन, जो कि एक अवचेतन प्रक्रिया है, या अगर हम स्टीफन क्रेशन की माने तो वो कहते हैं अचेतन प्रक्रिया है, यानी आपको अनकॉन्शियसली, आपका ध्यान भी नहीं है सीखने पे, आप भाषा अपने आप सीख गए बड़े होते होते, अपने घर में, अपने आसपास से। वहीं जब अधिगम की हम बात करते हैं तो ये चेतन प्रक्रिया है, कॉन्शियस एफर्ट है, आप स्कूल गए, आप स्कूल की भाषा को समझने का प्रयास कर रहे हैं, आप उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, साथ में आप शब्द अर्थ रट रहे हैं या याद कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, शिक्षक आपके साथ है, दुनिया भर की चीजें हो रही हैं, मूवीज देख रहे हैं, आपने इंग्लिश सीखी तो आप स्पेशली देख रहे हैं, हालांकि मूवीज वगैरह की सहायता से तो आप भाषा अर्जन भी कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वाभाविक प्रक्रिया यानी एक नेचुरल प्रोसेस है, क्या, भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन। वही नियमबद्ध, रूल बेस्ड, है ना, रूल बेस्ड प्रोसेस है क्या आपकी भाषा अधिगम की प्रक्रिया, ठीक। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो रही है? नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रूल बेस्ड, जब आप स्कूल में जा रहे हैं तो आप व्याकरण भी पढ़ रहे हैं, आप नियम भी पढ़ रहे हैं, आप सारी चीजें पढ़ते हैं वहां पे, ठीक है। इतनी बात, कोई दिक्कत है इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए। अनौपचारिक प्रक्रिया की जब हम बात कर रहे हैं तो ये है इनफॉर्मल प्रोसेस अर्जन, क्योंकि आप घर से, वातावरण से, मूवीज से, जहां से भी, जहां पे भी आपका ध्यान नहीं, आप भाषा सीखने नहीं गए बट सीख लिया। औपचारिक प्रक्रिया है फॉर्मल, जब आपको स्कूल, व्याकरण, शिक्षक, इन सब की जरूरत पड़े। मातृभाषा क्या है? मदर टंग आप एक्वायर करते हैं, मदर टंग आप एक्वायर करते हैं, मदर टंग आप अर्जित करते हैं, मातृभाषा आप अर्जित करते हैं। जो मातृभाषा क्या है? मम्मी की भाषा नहीं, जो घर में बोली जाती है, वो भाषा जो सबसे पहले बोली जाती है ना। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी हो सकती है, कई लोगों की तमिल भी हो सकती है, किसी की तेलुगु हो सकती है, किसी की पंजाबी हो सकती है ना, किसी की संस्कृत भी हो सकती है। तो जो घर में बोले जाने वाली भाषा है, जब आपने जन्म लिया और आसपास जो भाषा सबसे पहले आपके घर में बोली जाती है वो मातृभाषा है। तो मान लीजिए हिंदी है और आपकी मातृभाषा हिंदी है, आपने एक्वायर कर लिया, अर्जित कर लिया हिंदी को बिना किसी प्रयास के, स्वाभाविक प्रक्रिया, स्वाभाविक रूप से, बिना किसी किताब के, बिना किसी टीचर के। वहीं जब हम दूसरी भाषा की बात कर रहे हैं तो दूसरी भाषा यानी कोई भी सेकेंड लैंग्वेज या L2 हम कह देते हैं, आपको ये क्वेश्चन हिंदी में भी देखने को मिल सकता है, इसको हम L1 कहते हैं। जो भाषा आपने सबसे पहले सीखी है, मातृभाषा मदर टंग नेचुरल होती है। दूसरी भाषा लैंग्वेज 2 जो आप स्कूल जाके सीखते हैं इसको लक्ष्य भाषा भी कह देते हैं और इसको देशज या देशीय भाषा कह देते हैं, मातृभाषा को यानी नेटिव लैंग्वेज भी कह देते हैं। स्पीड आज ऐसी रहने वाली है, स्पीड आप कम करके देख लीजिएगा जिनको ज्यादा समस्या हो, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या अगर है तो बता दीजिए, है ना। ये देखो इस तरह के लोग, हम इनका क्या करें, इनको ब्लॉक करें, इनको अच्छा बुरा बोलें, मतलब कोई व्यक्ति कितनी मेहनत कर रहा है इनका ध्यान उस पर है ही नहीं, है ना। ये कह रहे हैं मैम L2 संस्कृत वालों के बारे में बता दीजिए, क्यों नफरत है आपको संस्कृत से, और रेड इमोजी बता रहे हैं, है ना। तो मतलब सारी भाषाएं, एक व्यक्ति, फिर पंजाबी वाले आएंगे वो कहेंगे अच्छा पंजाबी नहीं पढ़ाई आपने, है ना। कोई अंत है इस बात का? कैसी बातें करते हो यार, बैच में चले जाते हैं, वहां पढ़ लेते हैं, अरुण सर पढ़ाते हैं। देखिएगा अगर हम बात करते हैं भाषा अर्जन और अधिगम के बीच की तो मुख्य अंतर क्या है, वातावरण। कल और परसों जिनका पेपर है उनको बख्श दीजिए, आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए एक्स्ट्रा कमेंट करके, है ना। अगर किसी का लेट भी है तो पेपर, तो वातावरण, इनका मुख्य अंतर जो है वो वातावरण है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मुख्य अंतर इन दोनों के बीच का वो वातावरण है, क्योंकि भाषा अर्जन के लिए आपकी मातृभाषा का वातावरण आपको घर पे मिल जाता है। अगर आपको दूसरी भाषा का भी वातावरण मिल गया होगा तो आप एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकते हैं स्वाभाविक रूप से। यानी घर में अगर आपके इंग्लिश भी बोली जाती, हिंदी भी बोली जाती शुरू से ही, तो आप नेचुरली स्वाभाविक रूप से एक्वायर कर चुके होते हिंदी भी, इंग्लिश भी, ठीक। चलिए अब लक्ष्य भाषा व मातृभाषा के बीच का अंतर समझ लेते हैं, एक ही मिनट लगेगी। लक्ष्य भाषा को हम टारगेट लैंग्वेज भी कह देते हैं, जब बच्चा स्कूल में जाकर के, क्योंकि अब हिंदी और इंग्लिश की पेडागॉजी में अंतर बचा नहीं है, क्वेश्चन लगभग सेम ही देखने को मिल रहे हैं। तो लक्ष्य भाषा यानी जिसको सिखाने का लक्ष्य है, यानी स्कूल में जो भाषा सिखाई जा रही है, मान लीजिए आपके घर में हिंदी बोली जाती थी, स्कूल में टारगेट लैंग्वेज क्या हो सकती है? स्कूल में टारगेट लैंग्वेज होगी आपकी जो भी इंग्लिश है या जिस भी स्कूल में आप है, संस्कृत है मान लीजिए, तो वो टारगेट लैंग्वेज हो गई, यानी जिसको टारगेट किया जा रहा है। तो लक्ष्य भाषा जनरली लैंग्वेज 2 में ही आती है, क्योंकि मातृभाषा लैंग्वेज 1 है। तो मातृभाषा आपकी, इसको देशीय भाषा भी कह सकते हैं, है ना, पहली भाषा भी कह सकते हैं, लैंग्वेज 1 भी कह सकते हैं, ठीक, और इसको लैंग्वेज 2 भी कह सकते हैं, या टारगेट लैंग्वेज या लक्ष्य भाषा भी कह सकते हैं। इसको आप देशीय भाषा या नेटिव लैंग्वेज भी कह सकते हैं, हिंदी में नेटिव भी लग देगा, उसका कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनर का, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक बात है जो हमें यहाँ पता होनी ही चाहिए, ठीक। अगर हम बात करें मातृभाषा की तो मातृभाषा का अर्जन किया जाता है, और अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, जनरली अगर हम देखें सामान्य तौर पे, तो लक्ष्य भाषा को आप अधिगम करते हैं। अधिगम वो प्रक्रिया है यानी लर्निंग, जिसमें आप एफर्ट्स यानी कि प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, वहीं और सचेतन यानी कॉन्शियस एफर्ट्स लेते हैं। वहीं मातृभाषा में आप अचेतन रूप से सीख जाते हैं, सचेतन रूप से नहीं, अचेतन से या अवचेतन से अर्जित कर लेते हैं भाषा को स्वाभाविक रूप से, ठीक है। इतनी बात, कोई दिक्कत परेशानी अगर इस बात को समझने में हो रही है तो आप बता दीजिए। भाषा के क्या है, विविध रूप हैं, इसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो भाषा के विविध रूप की जब हम बात करें तो एक रूप हो गया मातृभाषा, जिसको हम मदर टंग कहते हैं, जो आपके घर में पहली भाषा बोली जाती है, जिसको आप अर्जित करते हैं। दूसरी भाषा है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? नेशनल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? बताइए कॉमेंट करके, फटाफट से बताइए। अगर हम बात करें फटाफट से बताइए। नो 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 नो। क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? क्योंकि हम बचपन से बड़े होते हैं, हमारे आसपास यही बात बोली जाती है कि भाई हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है ना। फिर एक आध बार जब तक हम बेइज्जती नहीं करा लेते समाज में अपनी, जहां पे 4 पढ़े लिखे लोग हों, हमें पता नहीं लगता, या हम पेपर की तैयारी नहीं करते जब तक, ठीक। तो अगर हम देखें तो भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, यानी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भारत की राजभाषा है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज है। लाइक शेयर करते रहना है। आज दूसरा सेशन था तो इस चक्कर में ये वाला सेशन काफी लेट हो गया, बट हम इसको 1 घंटे में ही समेट देंगे, जो जरूरी बातें हैं वो कर लेंगे। अदरवाइज तो मैं पहले भी मैराथन ले चुकी हूँ, हिंदी के नोट्स भी आपको दे चुकी हूँ, ठीक। चलिए आगे बढ़े, समझे, जाने चीजों को। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक हो तो आप बता सकते हैं। नो, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, नेशनल लैंग्वेज हमारी कोई भी नहीं है, इतना हमें ध्यान में रखना है, ठीक। भारत की जो राजभाषा है वो है हिंदी। क्या है? हिंदी भारत की राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। और किस एक्ट के तहत है फटाफट से बताओ कमेंट करके। अभी कल परसों हमने इंग्लिश पेडागॉजी में भी डिस्कस किया था, फटाफट से बताओ। जो अनुच्छेद है आपका 3431 343(1), ठीक है, 343(1)। और अगर हम बात करें ये एक्ट कब आया था राजभाषा का, तो राजभाषा अधिनियम आया था 1963 में, 1963 में, जिसको हम ओला भी कह देते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, यानी राजभाषा अधिनियम। ठीक, तो जिसके अनुसार जो राजभाषा है वो है हिंदी, आर्टिकल 3431 में। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सहकारी राजभाषा, यानी जो सह राजभाषा है, जो एसोसिएट है राजभाषा की, सहकर्मी है, जो एसोसिएट है, संबंधित है, वो कौन सी है? दूसरी भाषा AOL, जिसको हम कहते हैं एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, वो है हमारी इंग्लिश, आर्टिकल या अनुच्छेद 343(2) के तहत। इतना हमें ध्यान रखना है। ये बेसिक सी बात है जो हमें ये बताती है कि संविधान के अनुसार हिंदी की जगह क्या है? राजभाषा की है। ठीक है, मातृभाषा कई लोगों के लिए हो सकती है, कई लोगों के लिए नहीं भी हो सकती। अच्छा, भाषा के कुछ और भी रूप होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा मानक भाषा। क्या कहते हैं हम? मानक भाषा, मानक भाषा यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जो कार्यालय प्रयोग में लाई जाती है, जो ऑफिसेज में यूज हो रही है ना, जो कार्यालय प्रयोग की भाषा है, उसको हम मानक भाषा कह रहे हैं कि शुद्ध रूप है भाषा का। और भी ज्यादा अगर एक लेवल ऊपर चले जाएं तो वो फिर हो जाती है आपकी क्लिष्ट लैंग्वेज, कि जो एकदम क्रीमी लेयर है समाज की, वो बोल रही है जिसको। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि मानक भाषा यानी वो भाषा जो शुद्ध है कुछ हद तक और कार्यालयों में प्रयोग की जाती है। बेसिक बात है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं संविधान की ओर। और 22 भाषाओं की बात हुई है 8वीं अनुसूची में, 8th स्केड्यूल में। और ये जो 22 भाषाएं हैं, इसमें हिंदी इन 22 भाषाओं का हिस्सा है। अगर आप सीटेट का पेपर देने जाते हैं, आपको 22 लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिलता है। ठीक है ना बात? तो इन 22 भाषाओं में हिंदी शामिल है, लेकिन अंग्रेजी शामिल नहीं है। ठीक, तो यहाँ ध्यान रखना है कि अंग्रेजी शामिल नहीं है। हिंदी पेडागॉजी में भी ये बात पूछ सकता है, अब कोई भरोसा बाकी रहा नहीं है। ठीक है ना, हिंदी पेडागॉजी में भी बात पूछ सकता है। ठीक है ना। पारस, किसी ना किसी सेक्शन में गड़बड़ कर रहे हो आप, उस पे फोकस कीजिए, किस सेक्शन में नंबर कमा रहे हैं। पैसेज में कमा रहे हैं तो उसकी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, संस्कृत, नेपाली, ये सब इसका पार्ट है। ठीक, तो ये 22 भाषाओं में हिंदी हिस्सा है, इन 22 भाषाओं का 8वीं अनुसूची में, जिसकी बात हुई है। अब नॉम चॉम्स्की से क्वेश्चन आता ही है। नॉम चॉम्स्की क्या है? अमेरिकी भाषाविद हैं, लिंग्विस्ट हैं। तो जब हम नॉम चॉम्स्की की बात करते हैं, इससे पहले अगर हम बात करते हैं किसी की भी नहीं, तो नॉम चॉम्स्की आप देख रहे हैं, नॉम चॉम्स्की एक अमेरिकी भाषाविद है। ये कहते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र, भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के माध्यम से मनुष्य में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता है। यानी किसकी बात हो रही है? मनुष्यों की, जानवरों की बात नहीं हो रही है। तो मनुष्य में, मानव शिशु में जन्मजात क्षमता होती है कि वो भाषा का अधिग्रहण कर सके या अर्जन कर सके। तो लैंग्वेज को नेचुरली, स्वाभाविक रूप से एक्वायर करने की, अर्जित करने की क्षमता मानव शिशु में है। ऐसा कौन कह रहे हैं? नॉम चॉम्स्की कह रहे हैं। ये एज इट इज एक नंबर में क्वेश्चन आता ही है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक बात को समझने में। तो भाषा अधिग्रहण यंत्र जो है, इसके माध्यम से, ये हमारे, ये हाइपोथेटिकल है, परिकल्पनात्मक रूप से इन्होंने कहा है कि ब्रेन में कहीं होता है, जिसके माध्यम से, और ये 5 साल तक सबसे ज्यादा प्रभावी है, 5 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा प्रभावी है भाषा अधिग्रहण यंत्र। फिर धीरे धीरे वीक होता है। तो चाइल्डहुड के बाद, बाल्यवस्था के बाद, 10-11 साल के बाद आपको भाषा सीखने में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि आपका भाषा अधिग्रहण यंत्र कमजोर हो चुका होता है या होता जाता है। ठीक है, इतनी बात। अब चॉम्स्की और क्या कहते हैं? चॉम्स्की कहते हैं कि जो यूनिवर्सल ग्रामर है, मूल व्याकरण की बात करते हैं, सार्वभौमिक व्याकरण की ये बात करते हैं कि विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबद्ध हैं, जिसे समझने में एलएडी हमारी सहायता करता है। एलएडी क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र। ये हमें क्या करने में मदद करेगा? ये हमें व्याकरण के नियमों को बनाने में या समझने में मदद करेगा कि हम नेचुरली सीख पाए उनको। तो विश्व की सभी भाषाएं एक यूनिवर्सल ग्रामर है, कुछ पैटर्न सभी भाषाएं लगभग सेम फॉलो करती हैं, कुछ नियम सेम होते हैं। इसी बात को यूनिवर्सल ग्रामर के तहत समझाया है, किसने? नॉम चॉम्स्की ने। जनरेटिव ग्रामर भी कहते हैं कि जिसमें आप रूल्स जनरेट कर सकते हैं भाषा को समझने के लिए, यानी नियमों को। सैपिर-वोर्फ की एक परिकल्पना है, सैपिर-वोर्फ इस बार पूछा हुआ है ना, तो सैपिर-वोर्फ की अगर हम बात करें, बेंजामिन सैपिर और ली वोर्फ, तो इन दोनों ने मिलकर के एक परिकल्पना दी, प्रोफेसर थे और ये इनके स्टूडेंट थे। तो अगर हम बात करें तो उन्होंने परिकल्पना दी और इस परिकल्पना को भाषागत सापेक्षतावाद या लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी या डिटर्मिनिज्म कहा जाता है, ठीक है ना। तो भाषागत सापेक्षतावाद या लीवोर्फ की जो ये कल्पना है, ये क्या परिकल्पना है बेसिकली, इसके अनुसार किसी भाषा की संरचना उस भाषा के बोलने वालों की विश्व दृष्टि को प्रभावित करती है या दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। यानी जो भी भाषा आप बोलते हैं उस भाषा के बोलने से, जानने से आपको दुनिया को देखने का चश्मा चेंज हो जाता है। इसको फिर से समझेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से ही विश्व को देखता है और समझता है। यानी आपकी भाषा निर्धारित करती है कि आपका नजरिया कैसा होगा, आपकी सोच कैसी होगी, आपके विचार कैसे होंगे। इसीलिए इसको भाषा निर्धारण या सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, ये कह रहे हैं, ये भाषा नियतिवाद का सिद्धांत भी कह देते हैं कई लोग। डिटर्मिनिज्म है कि भाषा निर्धारित करे, जो भाषा आप बोल रहे हैं वो निर्धारित करेगी। या जिस मान लीजिए आपको हिंदी पढ़ी है आपने, तो आपने रामायण पढ़ी होगी, आपने उस तरह के ग्रंथ पढ़े होंगे, आपने वैसा ही साहित्य पढ़ा होगा, तो आपकी सोच उस तरह की होगी। अगर इंग्लिश पढ़ी है तो इंग्लिश के जैसी सोच होगी। तो बेसिकली भाषा नियतिवाद की तरफ लेके जाती है, सापेक्षता की तरफ लेके जाती है। यानी भाषा निर्धारित कर रही है कि हमारा विचार, हमारा दुनिया को देखने का नजरिया कैसा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। PYQ डिफिकल्ट लग रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस अलग से करेंगे। नहीं प्रशांत, 90% क्वेश्चंस आपको इसी तरह के देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें, एक एक सेशन और भी ले लूंगी मैं क्वेश्चंस को, डोंट वरी। चलिए, बस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ के समझ गए तो आधी दिक्कत खत्म हो गई। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, इससे रिलेटेड यह है, विचार की भाषा यह निर्धारित करती है कि हम दुनिया के बारे में किस प्रकार सोचते हैं, किससे संबंधित है। तो दुनिया के बारे में हम किस तरह से सोचते हैं, ये कौन निर्धारित कर रहा है? भाषा निर्धारित कर रही है। तो ये निर्धारित या नियतिवाद हो गया, रिलेटिविज्म हो गया। तो भाषाई सापेक्षता, भाषा सामाजिकरण, भाषा अधिग्रहण या सापिर-वोर्फ। तो ये सापिर-वोर्फ परिकल्पना है। देखिए, सापेक्षता या रिलेटिविटी, बात इन्होंने यही कही है लेकिन इस कल्पना के तहत कही है। तो अगर एक आंसर चूज करना होगा तो ए करेंगे, अदरवाइज सापेक्षता भी यहां सही हो सकता था, बट पेपर में माना नहीं है उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि सापेक्षता मतलब रिलेटिव होता है कुछ हद तक। इन्होंने कह दिया वही निर्धारित करेगी, जो कि सापिर-वोर्फ परिकल्पना के अंदर ही आती हैं ये दोनों ही बातें। तो ए को ही आप यहां सही मानने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, स्किनर की बात कर लेते हैं। स्किनर क्या है? स्किनर कहते हैं कि भाषा जो है, बच्चा वो अपने माता पिता और आसपास के लोगों की भाषा का अनुकरण करके सीखता है, यानी नकल करके सीखता है, यानी कॉपी करेगा, उनको इमिटेट करेगा जो आसपास के लोग हैं। जब वो माता जी को देखता है बात करते हुए कि खाना खा रही हूं, तो वो भी उसको तुतला करके बोलता है कि मैं भी खाना खा रही हूं, या व्हाटएवर तुतला करके बोलेगा। ठीक, तो कॉपी करता है बच्चा, अनुकरण करके आसपास के लोगों का भाषा सीखता है या एक्वायर करता है। जब वो गलती करता है तो उसको पुनर्बल नहीं मिलता। जब वो थोड़ा सा बोलता है, बच्चे ने तुतला करके बोला, अरे मम्मा मम्मा मुझे भी खाना दो, तो ये क्या हुआ? मम्मी कह रही है, अरे वाह मेरे बच्चे ने तो आज ये बोल दिया, कितना अच्छे से बोलता है, कितनी प्यारी आवाज है, व्हाटएवर व्हाटएवर। तो बच्चों को पुनर्बलन मिलेगा, वो अनुकरण और बेहतर तरीके से करेगा अगली बार। तो इसी तरह से लैंग्वेज बेहतर होती जाती है, भाषा आपकी बेहतर होती जाती है। जैसे जैसे आप अनुकरण करते हैं फिर आपको पुनर्बलन मिलता है, फिर आप अनुकरण करते हैं फिर पुनर्बलन मिलता है, गलत चीजों पर आपको पुनर्बलन नहीं मिलता है और फिर मिलती है। ठीक है ना। तो ये एक बेसिक बात हुई जिसको हम देख करके समझ पा रहे हैं प्रतिमा यहाँ। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि अनुकरण और पुनर्बलन से भाषा विकसित होती है, भाषा सीखी जाती है। किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार। पियाजे और वाइगोत्स्की, इनको हर जगह आना ही होता है, आपको पता है, आखिर तुम्हें आना है। तो देर में आए हैं बट आ गए हैं, क्योंकि इनको हर सब्जेक्ट में अपनी टांग अड़ानी ही है। ठीक, क्योंकि महत्वपूर्ण काम किया है इन्होंने। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि तो ये वैसी सी ही बात है, अपनी तारीफ करने का मन नहीं कर रहा, बट ये वैसी सी ही बात है कि सीटेट को ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है। आज से 20 साल बाद जब बात होगी और आप भूल जाएं कि हिमांशी ने ऐसा किया था सबसे पहले, सबसे बेहतर तरीके से, तो ये वैसी ही बात हो जाएगी कि हम पियाजे और वाइगोत्स्की को ना पढ़ें जब हम बच्चे को समझ रहे हैं तो। ठीक, तो पियाजे और वाइगोत्स्की की अगर हम बात करें, पियाजे और वाइगोत्स्की की अगर हम बात करें, तो ये कहते हैं, पियाजे कहते हैं कि बच्चा विचार जो है वो भाषा से पहले आता है, यानी थॉट जो है वो पहले आएगा भाषा से। बोलना तो बाद में सीखते हैं, मन में विचार तो आने ही लगते हैं ना। तो विचार भाषा से पहले आता है और विचार जो है निर्धारित करेगा कि आप भाषा क्या बोलेंगे। तो विचार न केवल पहले आता है भाषा से, बट ये निर्धारित भी करता है कि भाषा कैसी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात को समझने में है कि नहीं है, ये बता दीजिएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं। अब वाइगोत्स्की की जब हम बात कर रहे हैं, वाइगोत्स्की कह रहे हैं समाज और संस्कृति से, यानी सामाजिक अंतःक्रिया से, सोशल इंटरेक्शन से क्या होती है? सोशल इंटरेक्शन से, सामाजिक अन्योन्य क्रिया से भाषा सीखी जाती है। जब बच्चे आपस में चार लोगों से बात करते हैं, बाहर निकलते हैं, लोगों को बात करते हुए देखते हैं, ठीक। तो इनका मानना है कि विचार और भाषण, या विचार और भाषा अगर मैं बात करूं तो विचार और भाषा पहले अलग अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और फिर 3 साल के आसपास जाकर के विलीन हो जाते हैं, एक दूसरे में इंटरमिंगल हो जाते हैं। ये एक कहानी है जो कौन कह रहे हैं? वाइगोस्की कह रहे हैं, ठीक। ये उल्टा नहीं कह रहे हैं एक दूसरे का, बट दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं। जब भाषा के प्रकार की बात करते हैं तो जीन पियाजे ने कहा कि अहम केंद्रित वाक यानी ईगो सेंट्रिक स्पीच, जब बच्चा खुद से ही बोल बोल करके बातें करे 2 से 7 वर्ष में, या मैं कहूं 3 से 6 वर्ष में, तो उस समय ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, इसका अपना महत्व है बट उतना महत्व नहीं है, मतलब है इसका भी महत्व अहम केंद्रित वाक का, यानी बच्चा खुद से ही बातें कर रहा है। बट इन्होंने तो ये कहा है ना कि जो संज्ञान है उससे भाषा विकसित हो रही है, जबकि वाइगोस्की कह रहे हैं भाषा से संज्ञान यानी कॉग्निशन विकसित होगा। तो लेव वाइगोस्की की जब हम बात करें तो बालक भाषा अपने परिवेश से यानी अंतःक्रिया करके सीखता है, इंटरेक्ट करके सीखता है। इनके अनुसार जो निज भाषा है, वाइगोस्की के अनुसार भाषा के 3 मुख्य प्रकार हैं। यहां से एक क्वेश्चन आता ही है ना, निश्चित है एक क्वेश्चन आना वाइगोस्की के जो 3 प्रकार हैं वहां से। वाइगोस्की की जब हम बात कर रहे हैं, वाइगोस्की की जब हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने सबसे पहले दिया है सामाजिक वाक का कॉन्सेप्ट। सामाजिक यानी सोशल स्पीच, जब बच्चा समाज में अपने आसपास के लोगों से बात करना शुरू कर दे, तुतला के जैसे भी बोलना शुरू कर दे, अपनी बात को कहना शुरू कर दे, जो कि 2 वर्ष में हो जाता है। मैं आपको बता भी दूंगी कितने वर्ष में कितनी डिक्शनरी आ जाती है। खाना बनाते हुए देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिएगा इस टाइम कौन सा खाना बनता है, रात के 10:30 बजे, कमाल कर दिए हैं। सामाजिक वाक जो 2 वर्ष में आ जाएगा। फिर आता है निज वाक, जिसको इन्होंने बहुत महत्व दिया है। निज वाक या निजी वाक कह लीजिए आप इसको, प्राइवेट स्पीच कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक। तो ये 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, और ये बहुत अहम भूमिका निभाता है संज्ञानात्मक विकास में। फिर आता है मौन वाक, साइलेंट इनर स्पीच, मौन वाक। ये लास्ट स्टेज है, 6 साल के अराउंड आती है, 6 साल के बाद आती है, ठीक। तो यहाँ पे स्वयं निर्देशन देता है बच्चा, खुद से ही बातें करके। प्राइवेट स्पीच मतलब जब वो खुद से बातें करे। यहाँ वो नॉर्मल अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं के बारे में, मम्मी खाना दे दो, पापा पानी ला दो, व्हाटएवर व्हाटएवर, ये बातें करना सीखता है 2 वर्ष में, जब वो 2 शब्दों को जोड़ के एक नया सेंटेंस, एक नया वाक्य बनाना सीखता है। फिर 3 वर्ष में वो खुद से ही बातें कर रहा है, अपना खिलौना जोड़ते हुए, तोड़ते हुए, अरे इसको कहाँ लगाऊं, उसको क्या करूं। तो ये स्वयं निर्देशन मिलता है इससे। वाइगोस्की कहते हैं ये सेल्फ डायरेक्शन मिलता है बच्चे को, सेल्फ रेगुलेशन कर पाता है, वो खुद को ही नियंत्रित कर पाता है अपने विचारों को, किससे? निजी वाक से, या हम कहेंगे प्राइवेट स्पीच से। मौन वाक फिर बाद में और हायर लेवल पे चला गया, मन में ही वो बोल लेगा, बाहर किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जबकि निजी वाक में वो खुद से ही बातें कर रहा था, लेकिन निजी वाक भी महत्वपूर्ण है। तो इतना बात हम ध्यान रखेंगे, कोई पजल बॉक्स को कपड़े की तय बनाते हुए बच्चा खुद से बातें कर रहा हो, अरे इसको ऐसे नहीं ऐसे फोल्ड करते हैं, खुद से बातें कर रहा है, तो ये निज वाक है, प्राइवेट स्पीच है, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये जो निजी वाक है, ये जो प्राइवेट स्पीच है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है संज्ञानात्मक विकास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ठीक है। इतनी बात वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। तो सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब स्टीफन क्रेशन आ गए हैं, ये अंग्रेजी आप छोड़ दीजिए, हिंदी में समझते हैं, क्योंकि आज हिंदी की कक्षा है। इतनी बात ठीक है या नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ पेडागॉजी कुछ करा दो कल तक, गुलशन कह रहे हैं। कल नहीं परसों कराएंगे यार अब मैथ्स पेडागॉजी। इतना आप नोट्स पढ़ लीजिए वाले, और प्रीवियस मैराथन देख लो जो मैथ्स पेडागॉजी की मैंने कराई हुई है, और कुछ क्वेश्चंस भी कराए इस बार। जितना ध्यान आपका आज है, इतनी रात को भी आप इतनी संख्या में जुड़े हुए हैं, देखिएगा इतना आप पहले से क्यों नहीं रखते हैं? रखते हैं वैसे कुछ लोग। अधिग्रहण सीखने की वैसे आप लोग बहुत संख्या में, आप लोगों ने पूरी मेहनत से काम किया है, और जिन लोगों ने सच में मेहनत की है उनको पेपर में फल देखने को मिलेगा, मेहनत भी सही दिशा में। अधिग्रहण सीखने की परिकल्पना, यानी ये इनकी 5 हाइपोथेसिस हैं। स्टीफन क्रेशन कहते हैं, स्टीफन क्रेशन ने कहा कि जो भाषा है, यानी हम सिर्फ एक ही भाषा को एक्वायर नहीं कर सकते, अर्जित नहीं कर सकते, हम कई भाषाओं को भी अर्जित कर सकते हैं, हम दूसरी भाषा को भी अर्जित कर सकते हैं। तो स्टीफन क्रेशन कह रहे हैं, स्टीफन क्रेशन कह रहे हैं कि हम दूसरी भाषा को भी अर्जित कर सकते हैं, जैसे हम पहली भाषा को करते हैं। यानी मान लीजिए मैंने हिंदी सीखी, मेरे घर में हिंदी बोली जाती थी, इसी तरह से मैं अंग्रेजी को भी क्या कर सकती हूँ? अर्जित कर सकती हूँ, यदि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। तो ये कह रहे हैं कि जो दूसरी भाषा का अर्जन है वो भी हो सकता है, दूसरी भाषा को भी, दूसरी, हम क्वेश्चंस भी करेंगे लास्ट में, दूसरी भाषा को अचेतन रूप से अर्जित किया जा सकता है, अचेतन रूप से यानी अगर आपको वो एनवायरमेंट मिल जाए तो आप दूसरी भाषा को भी अर्जित कर लेंगे नेचुरली, जैसे आप पहली भाषा को करते हैं। अगर आपको एनवायरमेंट मिल जाए तो अर्जित किया जा सकता है। स्टीफन क्रेशन के अनुसार इन्होंने इसके लिए कितनी 5 परिकल्पनाएं दी, एक तरह के सिद्धांत दिए कि कैसे कैसे किया जा सकता है। अभी जीवित हैं स्टीफन क्रेशन, है ना, ये भी अमेरिकी भाषाविद हैं, लिंग्विस्ट हैं, टीचर प्रोफेसर सब रहे। ठीक, तो 5 परिकल्पनाएं हैं। वो 5 परिकल्पनाएं क्या कहती हैं बताइएगा एक बार, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, समझिएगा। हाँ, इसमें जो लोग PWD की बात कर रहे हैं ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी को एक्स्ट्रा टाइम, हाँ वो दिया तो हुआ है, पहले ही दे दिया था इन लोगों ने। जब आपने पहले ही रूल्स पढ़े होंगे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, अपना एडमिट कार्ड देख लेना, उसमें पता लग जाएगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किस चीज की, स्टीफन क्रेशन की, तो इन्होंने 5 परिकल्पनाएं दी, जिसमें पहली परिकल्पना क्या है, अधिग्रहण, यानी भाषा का अर्जन। अधिग्रहण मतलब अर्जन। ठीक, हिंदी में कई कई नाम होते हैं, इंग्लिश में एक्विजिशन एक सिंगल नाम है, इसलिए कहा जाता है कि अंग्रेजी में याद रख लीजिए अगर रह जाए तो। ठीक, तो भाषा अर्जन और भाषा सीखना यानी अधिगम। तो यहां पे इन्होंने कहा है कि जो अधिगम है उससे बेहतर है क्या अर्जन, उससे ज्यादा स्वाभाविक है क्या अर्जन। ठीक, तो अर्जन हमें करना चाहिए भाषा का, ना कि लैंग्वेज लर्निंग करनी चाहिए, यानी एनवायरमेंट से हमारे अंदर भाषा को भरा जाना चाहिए, चाहे वो दूसरी ही भाषा क्यों ना हो। तो यहाँ पे अर्जन और अधिगम के बीच का अंतर बताया कि सीखना क्या है, जिसमें आप एफर्टफुल प्रैक्टिस करते हैं, प्रयास करते हैं, चेतन रूप से लगे रहते हैं, नियम सीखते हैं, व्याकरण सीखते हैं, शिक्षक के पास जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं। अधिग्रहण यानी नेचुरल एनवायरमेंट से, वातावरण से जब आप भाषा को अर्जित करें तो दूसरी भाषा भी, मतलब अगर आप इंडिया में रहते हैं, आप अगर अमेरिका चले जाएंगे तो कुछ दिन में आप अंग्रेजी सीख जाएंगे, अर्जित कर लेंगे, तो दूसरी भाषा को भी अर्जित किया जा सकता है। और अर्जन बेहतर है अधिगम के मुकाबले, क्योंकि वो ज्यादा स्वाभाविक होता है। बाद में हालांकि जो आपने भाषा अर्जित की है उसको आप स्कूल जाके सीखते भी हैं। भाई मान लीजिए हिंदी मेरी मातृभाषा, लेकिन मैंने स्कूल में जाके प्रॉपर सीखी भी तो फिर। ठीक, तो मॉनिटर परिकल्पना दूसरी परिकल्पना है। मॉनिटर का मतलब ही है कि आप क्या कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, आपके दिमाग में एक मॉनिटर है। जब आप भाषा सीखते हैं, आप सीखना भी छोड़ दीजिए, जब आप भाषा अर्जित करते हैं एनवायरमेंट से, तो आपको बोलते हुए पता लग रहा होता है कि मैं खाना, कुछ भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे कुछ हो सकता है कि खा रही हूं, मैं खाना नहीं बोलते ना आप, मैं खाना खा रही हूं ये बोलते हैं। ठीक, तो अगर आपने नेचुरली भाषा को सुना है, मान लीजिए कोई मूवी में या आसपास से अर्जित किया है, तो आपके अंदर एक मॉनिटर होगा जो बताएगा कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो वो एक्टिव हो जाएगा, वो आपको याद दिलाएगा यार ये मैंने शायद गलत बोल दिया है। तो ये मॉनिटर अगर बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, बहुत ज्यादा सक्रिय होगा, तो क्या होगा कि आप बोल ही नहीं पाएंगे। फिर जब आपका मॉनिटर ही काम करेगा हर टाइम, वो गलत और सही निकालता रहेगा, तो फिर बोलेंगे कब, या भाषा का प्रयोग कब करेंगे, तो सहजता खत्म हो जाएगी। तो मॉनिटर को बैलेंस्ड वे में रखना है, बहुत ज्यादा भी यूज नहीं करना, ओवर यूज भी नहीं करना और अंडर यूज भी नहीं करना, एक न्यूट्रल लेवल पे रखना है कि जब जरूरत हो तब आप कमियां भी ढूंढ पाए। इनपुट परिकल्पना, इनपुट परिकल्पना बहुत जरूरी है। इनपुट का मतलब है जो टीचर्स इनपुट देते हैं, या कोई व्यक्ति है जिसको वो भाषा आती है वो इनपुट दे रहा है अपना, कि भाई इसको ना ऐसे ठीक किया जा सकता है। तो बच्चों को स्कूल में क्या किया जाना चाहिए, हल्का सा +1 लेवल का इनपुट दिया जाना चाहिए। +1 क्या हो सकता है, आपको पता है बच्चे को इस लेवल तक का टास्क आता है, अब आप उसको हल्का सा डिफिकल्ट देते हैं, ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और ना बहुत ज्यादा ईजी, हल्का सा चैलेंजिंग, +1 इनपुट, ये पूछा जाता है पेपर में। प्रभावी निष्पादन परिकल्पना यानी इफेक्टिव होनी चाहिए जो आपकी जो भाषा, ये प्रभावी बेसिकली ये आपका संबंधित है किससे, आपके इमोशंस से। अगर इमोशंस बहुत ज्यादा प्रभावी हैं या आप बहुत एंग्शियस हैं तो आप भाषा का प्रयोग ठीक से नहीं कर पाएंगे, और अगर आप बहुत ज्यादा एंग्शियस नहीं हैं, नॉर्मल हैं, तो आप भाषा को नेचुरली यूज कर पाएंगे, जो कि आगे आता है प्राकृतिक आदेश परिकल्पना में। हालांकि आपको इंग्लिश में नाम इनका ध्यान रखिएगा, ये फालतू ट्रांसलेशन इस तरह के करने में गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये थियोरी है बेसिकली अंग्रेजी में ही। ठीक, तो ये 5वां है जिसको हम नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस कहते हैं, कि हम इस तरह से प्राकृतिक ऑर्डर में लैंग्वेज को सीख सकते हैं अगर हम बात करें। ठीक, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत। ये नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस 3rd में आता है कि आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को नेचुरल ऑर्डर में सीख जाते हैं, यानी ग्रामर यानी व्याकरण। भाई जो मेरी मातृभाषा है उसमें व्याकरण मैंने नेचुरली सीख लिया, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ व्याकरणिक रूप से, क्यों, क्योंकि मैंने प्राकृतिक रूप से सीख लिया। तो इसके ऑर्डर को इस तरह से ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा मुझे लग रहा है एक आध आगे पीछे है, बट मुख्य जो बात है वो 5 परिकल्पनाएं हैं, और जो मैंने बताई हैं वही 5 परिकल्पनाएं हैं। अब आते हैं भाषा कौशल पे, जहां से एक क्वेश्चन आपका आता ही है। वेस्ट बंगाल PRT इंटरव्यू रिक्रूटमेंट में अब सीटेट क्वालिफाइड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले कोर्ट में पास हुआ, अब आज नोटिफिकेशन भी आ गया, बहुत ही बढ़िया बात है ईदी आमीन। अब आप लोग भी अच्छे से तैयारी करिए, WB TET भी आप लोगों ने निकाला है लेट्स लर्न के साथ बहुत मेहनत करके। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और सिर्फ प्रीवियस मैराथन वगैरह ही देख के, जबकि मैंने WB TET अलग से नहीं कराया था। तो ये आप लोगों का मेहनत और विश्वास है कि आपको पता हो देश भर में एग्जाम कोई भी हो टीचिंग का, आपको आना लेट्स लर्न पे ही है। भाषा कौशल की जब हम बात करते हैं, यानी लैंग्वेज स्किल्स की जब हम बात करते हैं, तो भाषा कौशल, चार भाषा कौशल हैं जो मुख्य हैं, सू बो प ली, ये इनका सही क्रम है, यानी इनको इसी क्रम में सिखाया जाना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ इसी क्रम में सीखी जाती है। ये मनोवैज्ञानिक क्रम है सीखने का भाषा, ये क्या है, मनोवैज्ञानिक क्रम है भाषा सीखने का। तो यानी जो सही क्रम है वो यही है, क्रम जो है सही वो यही है, लेकिन सिर्फ क्रम में ही सीखी जाती है, क्रम आगे पीछे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर आप, रिकमेंडेड यही है कि इसी क्रम में सिखाएं। तो सुनना और पढ़ना, जब आप सुनते हैं और पढ़ते हैं तो आप भाषा को ग्रहण करते हैं, इनको ग्राम्यात्मक कौशल कहा जाता है, ग्राम्यात्मक कौशल कहा जाता है, क्योंकि आप लैंग्वेज को रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, या आप निष्क्रिय होते हैं आप कुछ हद तक। भाई जब आप सुन रहे हैं, अभी मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, जब आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप कुछ अंदर भर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो इसलिए इसको ग्राम्यात्मक कहते हैं। वही बात बोलने और लिखने की आती है जब, तो हम कहेंगे बोलना और लिखना क्या है, अभिव्यक्तात्मक कौशल है, एक्सप्रेसिव स्किल्स हैं, सक्रिय कौशल हैं, क्योंकि आप अपने आप को यहाँ अभिव्यक्त कर रहे हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल है, अभिव्यक्तात्मक कौशल, ठीक है। देखना स्पेलिंग पे फोकस। तो बोलना और लिखना, जिसको हम LSRW इंग्लिश में कहते हैं, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। भाई पहले बच्चा आता है दुनिया में, सुनना सीखता है, बोलना आता है, फिर उसको सुन सुन करके फिर वो पढ़ना सीखता है और फिर वो लिखना सीखता है, अगर प्रॉपर वे में माना जाए, है ना। मॉन्टेसरी भी कहती है लिखना सिखाओ पढ़ने के बाद ही। तो कुछ इनमें कई बार क्या होता है कि बच्चा लिखना भी शुरू कर देता है, कई बार क्या होता है मान लीजिए पढ़ना नहीं आता, वो फिर भी कुछ भी स्क्रिबल करना शुरू कर देगा, इसको स्क्रिबलिंग कहते हैं, कीलम काटी टाइप, जिसका अपना कोई मतलब नहीं होता। तो इस स्क्रिबलिंग के चक्कर में कई बार क्या होता है, लिखना पहले आ जाता है, लेकिन जो सही क्रम है वो यही है। क्रम सिर्फ यही है, ये कहना गलत होगा कि क्रम में ही सीखे जाते हैं, तो गलत होगी बात, क्रम में सीखे जाने चाहिए, ये बात सही है, ठीक। तो क्रम सही जो है, मनोवैज्ञानिक क्रम वो यही है। कुछ लोग आगे पीछे भी बता देते हैं क्रम, वो भी सही है अपनी जगह, लेकिन अगर आपसे क्रम पूछेगा पेपर में, आप कहेंगे सुबो पाली, यानी सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, जिसमें सुनना और पढ़ना ग्राम्यात्मक है और बोलना और लिखना क्या है आपका, अभिव्यक्तात्मक है। तो पढ़ने की जब हम बात कर रहे हैं, पढ़ना क्या है यहाँ पर, रीडिंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो रीडिंग में भी कुछ दो मुख्य प्रकार हैं। क्या कह रहे हो भाई, सठे आ गए CBSE वाले, सेकेंड फेज वाला प्री एडमिट कार्ड शो किया था एक सेकंड के लिए, हाँ ये लोग ऐसे ही खेलते रहते हैं। अब तो आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पे होना ही चाहिए जिन लोगों का पेपर, क्योंकि अभी टाइम है। देखो जिसका प्री एडमिट कार्ड नहीं आया, इसका मतलब एक हफ्ता तो अभी है आपके पास, है ना। एक हफ्ते पहले प्री एडमिट कार्ड आएगा और 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, तो एक हफ्ते में तो दुनिया बदल जाती है CTET में, इतनी बड़ी बात थोड़ी है। तो पढ़ने की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम पढ़ना, देखिए इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं कि पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो आपको ध्यान रखना है अर्थ। भाई मान लीजिए एक दूसरा आता है कि अक्षर की पहचान, अक्षर पहचान से भी ज्यादा जरूरी क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण अक्षर की पहचान है अगर देखा जाए। क्योंकि मान लीजिए आप अक्षर की पहचान करते हैं बहुत बढ़िया, रैपिडली पढ़ लेते हैं तेजी से, बट आप चतुर रामलिंगम बन गए, वही था ना वो चतुर जो था उसमें 3 इडियट्स में, जिसको पढ़ के समझ में कुछ नहीं आता, संदर्भ में अर्थ ही ग्रहण नहीं कर पाते, तो कोई पॉइंट नहीं हुआ अक्षर पहचानने का। तो संदर्भ में पढ़ना या अर्थ निर्माण कर पाना सबसे जरूरी होता है पढ़ने के कौशल में, और अक्षर पहचान बाकी बातें सेकेंडरी हैं, उतनी महत्वपूर्ण है जितना अर्थ या संदर्भ को समझना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसमें हम मुख्य पाठन को अगर बांटें तो मौन पठन यानी साइलेंट रीडिंग, तो जब आपको थोड़ा तीव्रता से पढ़ना होता है या बहुत ज्यादा फोकस से गहनता से पढ़ना होता है, तो आप साइलेंट रीडिंग करते हैं, मौन पठन करते हैं, मन में पढ़ते हैं। द्रुत पठन भी इसमें एक चीज होती है कि आप तीव्रता से पढ़ते हैं एक आइडिया लेने के लिए। वहीं सस्वर पठन की जब हम बात करते हैं तो ये है लाउड रीडिंग या अलाउड भी कह देते हैं। ये क्या है, जब बच्चे को हम सुर लय ताल के साथ, उच्चारण इससे बेहतर होता है, उच्चारण इससे बेहतर होता है, सुर लय ताल के साथ। जब क्लासरूम में एक बच्चा खड़ा हुआ वो क्या है पठन कर रहा है, तो सुर लय ताल के साथ प्रॉपर कहाँ विराम रखना है, कहाँ आपको रुकना है, कितना, तो ये सब सस्वर पठन में आता है यानी लाउड रीडिंग। इससे हमारी उच्चारण क्षमता बेहतर होती है, 3री 4थी में कहीं शुरू करते हैं हम ये बात, 4th तक जाते जाते। और फिर मौन पठन जो है साइलेंट रीडिंग, और धीरे धीरे बाद में, तो बड़े बच्चों के लिए तो स्पेशली हम देखते हैं साइलेंट रीडिंग क्या है, सस्वर पठन। तो अगर वाइगोस्की की माने तो जो मौन पठन है वो कब हो पाएगा, 6 साल के बाद, है ना। चलिए खैर, और उसके बाद भी, ये भी बाद में और जाकर के बड़ी कक्षाओं में होता है, 6 साल में तो पहली कक्षा में होता है बच्चा। तो सस्वर पठन की एक बात हमने यहाँ कर ली। अर्थ निर्माण सबसे ज्यादा जरूरी है, बच्चे का भाषा के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करना जरूरी है। बच्चा थोड़ा बहुत गलत बोले, गलत पढ़े, गलत लिखे, सब चल जाएगा, लेकिन क्या नहीं चल पाएगा कि आप बच्चे को उसको अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। फास्ट कर दें, चलो फास्ट कर देते हैं, ठीक है, फास्ट कर देंगे, डोंट वरी। 11 बजे तक छुट्टी कर देंगे आपकी। और बताओ, तो अगर हम बात करते हैं, 11 बजे तक थोड़ा मुश्किल है बट हाँ कर देंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमने ये देखा कि समझना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मातृभाषा का प्रयोग करने देना है बच्चे को। अगर थोड़ा बहुत वो गड़बड़ करे, दूसरी भाषा को सीखते समय मातृभाषा में बोलना शुरू कर दे तो कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, मातृभाषा को एक्सेप्ट करना है। त्रिभाषा सूत्र याद रखिएगा। त्रिभाषा सूत्र यानी कोठारी आयोग में बात हुई है त्रिभाषा सूत्र की। 3 भाषाएं प्राथमिक लेवल पे मातृभाषा में पढ़ाना है। फिर अगर सेकंड लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं तो कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या फिर अंग्रेजी, अगर हिंदी है पहली भाषा, मातृभाषा यदि हिंदी है तो, है ना, ये इंग्लिश वाली क्लास में भी समझाया था। और अगर हम बात करें थर्ड लैंग्वेज की, तो अगर इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज पढ़ी है तो कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, वो जो 22 भाषाएं हम देख रहे थे, और संस्कृत वगैरह को एडिशनल या फॉरेन लैंग्वेजेस को एडिशनल लैंग्वेजेस के रूप में एनईपी कहती है कि आप पढ़ा सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये छोटी छोटी बातें जो आपने देखो, मैंने क्या किया है, जब आपने सारे नोट्स अगर आप पढ़ लेंगे, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, मैथ्स और आपका ईवीएस, तो अगर आपने सारे नोट्स अच्छे से पढ़े हैं तो एक चीज हो सकती है जो सीडीपी में मैंने मेंशन नहीं की, क्योंकि वो उतनी महत्वपूर्ण वहां नहीं है जितनी मैंने वो ईवीएस में कर दी है, तो क्योंकि वो ईवीएस पे फोकस्ड है, मान लीजिए प्रोसेस स्किल्स ही हैं, तो इसलिए सारे नोट्स पढ़ना जरूरी है कि कुछ चीजें आपका कुछ बचेगा नहीं। फिर कोई एक चीज है मान लीजिए उस संदर्भ में पूछी जाती है तो वो वहां है। तो एमआईएल के, ये मातृभाषा की हमने बात कर ली कि मातृभाषा में हम बच्चे को अभिव्यक्त करने देंगे अपने आप को। और एक छोटी सी बात मैं याद दिला देती हूँ जो स्मिथ के अनुसार, अगर हम बात करते हैं किसकी, 1 साल में बच्चा 3 शब्द बोलने लगेगा, फिर आपको पता ही है कि 2 साल में 272 और 5 साल में 2072, 3 साल के आसपास 1000 शब्द या 900 प्लस, और 4 साल में 1500-1600 प्लस। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली जो अवस्था होती है भाषा की वो होती है रोना यानी क्राइंग, फिर उसके बाद आता है कूकना। अगर हम कूकने की बात करें या कूइंग की बात करें तो ये 6 हफ्तों में यानी 1.5 महीने का बच्चा कुछ भी आवाज निकालता रहता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करते हैं बलबलाना की, बैबलिंग की, तो वो 6 महीने में आता है जब वो एक स्वर का प्रयोग कर पाएगा, बा, मा, पा। फिर उसके बाद एक शब्द की स्टेज आएगी जो 1 साल में आएगी, जब वो पापा, मम्मी, कोई एक शब्द बोलने लगेगा, ठीक, पानी। फिर अगर हम बात करते हैं, फिर आती है आपकी 18 से 24 महीने में 2 शब्द जोड़ करके टेलीग्राफिक स्पीच वाली अवस्था, यानी 1.5 से 2 साल में पहली बार 2 शब्दों को जोड़ के एक वाक्य बनाना शुरू करेगा बच्चा। और उसके बाद आता है आपका 5वीं जो स्टेज है वो है कि लॉन्गर अटरेंसेज, यानी अब अगर हम बात करते हैं तो 3 साल से तो फिर वो बड़ी बड़ी बातें फेंकना शुरू कर देता है। सबसे तेज गति से भाषा सीखने की जो स्टेज है सेंसिटिव पीरियड, ये मैंने सीडीपी में भी आपके साथ डिस्कस किया है, संवेदनशील या क्रिटिकल टाइम भाषा सीखने का, या एलएडी के लिए भी। तो वो संवेदनशील काल कौन सा है, जन्म से 5 वर्ष तक, या अर्ली चाइल्डहुड अगर आप देखें 2 से 6 वर्ष तक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक बातें जो आपको पता ही होनी चाहिए। अब हम लेखन के प्रकार पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सुलेख होता है जब आप सुंदर सुंदर लिख रहे होते हैं अपनी नोटबुक में सजा सजा के। श्रुतलेख क्या होता है, मान लीजिए टीचर ने बोर्ड पे लिख दिया, आप बिल्कुल सुंदर नोटबुक्स या फिर आप किताब से सुंदर सुंदर लिख के अपनी कॉपी में कॉपी कर रहे हैं एक तरह से। श्रुतलेख क्या है, श्रुतलेख है जब इमला बोलते हैं ना इसको, डिक्टेशन, इससे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक समझ रहे हो, वर्तनी की अशुद्धता, ये इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान रखेंगे। तो श्रुतलेख यानी जो डिक्टेशन है उससे हमारी स्पेलिंग्स बेटर होती है, क्योंकि सुन के लिखना होता है, टीचर ने कुछ बोल रहे हैं, आपने वो किया होगा, फिर बाद में नंबर मिलते हैं क्या सही लिखा क्या गलत लिखा, एक कहानी है जो वो बोल रहे हैं और फिर उसके बाद आप उसको लिखते जाते हैं। सुद्दू यादव, ठीक है। अनुलेख क्या है, अनुलेख वो कॉपी याद कीजिए अपनी या वो नोटबुक याद कर लीजिए जिसमें ऐसे ऐसे डॉट 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 होते थे, तो फिर आप ए को ऐसे बनाते थे, मतलब किसी एक ऊपर से पहले से रेखा है, लाइन है, उसके ऊपर आप उसका अनुकरण कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे कै को ऐसे ना लिख के पूरा, ताकि आपको एक ढांचा मिल जाता था तो आप क बना देते थे इसके ऊपर, यही अनुलेख है, ठीक। ये छोटी कक्षाओं में ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये थे सुलेख यानी सुंदर राइटिंग, श्रुतलेख जब सुन के लिखें वर्तनी के लिए, अनुलेख जब आप शब्द बनाना सीखते हैं। अब भाषाई विकार पे आ जाते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, भाषाई विकार क्या है, यानी लैंग्वेज डिसेबिलिटी। अफेजिया आपने सुना होगा, अफेजिया यानी या डिस्फेजिया भी कह सकते हैं, भाषा को समझने में कठिनाई। भाई आप कुछ बोल रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रही हूँ तो इसका मतलब दिक्कत है कहीं। कभी कभार ना समझ पाना एक डिफरेंट चीज है, बट इस बच्चे को या जिसको भी अफेजिया है उसको ज्यादातर यही संभावना या यही समस्या रहेगी, ठीक है ना। 1 मिनट रुकना यार, मुझे शायद मैंने वो सेशन ऑफ नहीं किया पहले बार। ओहो एक मिनट रुकना, वो सेशन ऑफ नहीं किया, मैं व्यस्त ही रह गई आप लोगों के साथ। ओहो हो ये अभी भी लाइव है, यही होता है। एक मिनट रुकना, वो इससे पहले वाला एडमिट कार्ड वाला सेशन था ना। मैं ज़्यादा ही आजकल दिमाग व्यस्तता के शिखर पे है। एक मिनट रुकना, एक मिनट। अब तक तो कितने लोग उसको देख के सो जाते जिनका पेपर है कल तक। एडमिट कार्ड ऐसा होता है कई बार, देखिएगा समझें एक बार बात को। चलिए समझते हैं, देखिएगा कोई बात नहीं, देखते हैं। अगर हम भाषा विकार की बात कर रहे हैं तो समझने से, भाषा को समझने से संबंधित कठिनाई है यहाँ पे, है ना। विकार में कठिनाई तो होगी ही। तो अफेजिया मतलब या डिस्फेजिया मतलब, हिंदी में भी इसको यही कहते हैं कि भाषा को समझने में कठिनाई, उसके कॉम्प्रिहेंशन में कठिनाई। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं, पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं, सुन के नहीं समझ पा रहे हैं, देख के नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब समझने से संबंधित है। फिर आता है डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया है लेखन पठन संबंधी विकार, पढ़ने में कठिनाई, पठन संबंधी विकार। वो ईशान अवस्थी याद कीजिए, पठन संबंधी विकार यानी पढ़ने में समस्या होगी मुख्य रूप से। बच्चा 6 को 9 पढ़ सकता है, ठीक है ना, और व को ब पढ़ सकता है, ये तो बहुत ही कॉमन है। खैर तो इसमें समस्या होती है, पढ़ने में समस्या होगी, कठिनाई होगी, एंजाइटी वो महसूस करेगा। और जिसको पढ़ने में समस्या है तो ऐसा भी हो सकता है कई बार पढ़ने और लिखने दोनों में समस्या हो जाए, किसकी वजह से, डिस्लेक्सिया की वजह से। डिस्ग्राफिया की बात कर लेते हैं। ग्राफ का मतलब ये होता है लिखना, तो ये लेखन संबंधी विकार है, ये तो हमें हर सब्जेक्ट में पता ही होना चाहिए, ठीक। बच्चा अगर लिखने में उसको समस्या हो रही है तो डिस्ग्राफिया है, यानी आप उसकी नोटबुक पढ़ नहीं पाएंगे, उसकी कॉपी पढ़ नहीं पाएंगे जिसको डिस्ग्राफिया होगा, क्योंकि उसकी जो नोटबुक होती है वो लेजिबल नहीं है, उसकी जो राइटिंग है वो लेजिबल नहीं है, यानी पढ़ने योग्य नहीं है, इलेजिबल है, अपठनीय है, आप पढ़ नहीं सकते उसको। तो डिस्ग्राफिया वाला बच्चा जो ऐसी लिखावट लिखेगा कि बस वही पढ़ सकता है फिर उसको। और डिस्लेक्सिया मतलब पढ़ने में विकार है, अफेजिया मतलब भाषा को समझने संबंधी विकार है, डिस्कैलकुलिया आपको पता है गणित से संबंधित, कैलकुलेशन से संबंधित। अब भाषा शिक्षण की कुछ प्रमुख विधियां हैं जो आपको एक एक करके थोड़ी थोड़ी जान लेनी है। व्याकरण विधि, जिसमें आप व्याकरण सिखाएंगे, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण, संप्रेषणात्मक, आगमन विधि, निगमन विधि। संप्रेषण परक जो है ये बहुत ही अच्छी विधि है क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT, बहुत ही मजेदार है। इसमें बच्चा संप्रेषण के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से सीख जाता है। इस बार हमने कम्युनिकेशन वाली जो ये मेथड्स हैं इन पर फोकस नहीं किया क्योंकि पेपर में अभी उतने नहीं पूछे जा रहे हैं, तो आप प्रीवियस ईयर से भी अगर आपकी नजर गई होगी। और मैंने ये सारे जो चैप्टर्स हैं, एक एक चैप्टर आपको कराया हुआ है, अगर आप प्लेलिस्ट उठा के देखेंगे पुरानी, तो मैंने हिंदी पेडागोजी का एक एक चैप्टर, इंग्लिश पेडागोजी का एक एक चैप्टर, EWS का एक एक चैप्टर, CDP का एक एक चैप्टर सब कराया हुआ है। लेकिन अभी अंत में हम निचोड़ की बात करते हैं। व्याकरण विधि की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, ग्रामेटिकल मेथड है एक तरह से। इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया जाता है और याद कराया जाता है, यानी आप नियम रटते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ लगेगा, संज्ञा कहाँ आएगी, फिर यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं क्रिया कहाँ लगाएंगे, कौन सी फॉर्म लगाएंगे, नियम सीखते हैं आप, याद करते हैं। इसके बाद शब्द संयोजन, यानी शब्दों को जोड़ते हैं व्याकरणिक नियमों के आधार पर, जो आपने याद किए थे उनका अभ्यास करते हैं कि भाई इसमें ये नियम आएगा। तो टोटल फोकस व्याकरण पे है इस विधि में। व्याकरण अनुवाद विधि क्या है, ये है, यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत, यानी इसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही। इसमें व्याकरण और अनुवाद दोनों विधियां जुड़ती हैं, यानी वहां पे सिर्फ व्याकरण पे फोकस था, यहाँ पे फोकस किस पे है, यहाँ पे फोकस है अनुवाद पे, ट्रांसलेशन पे। तो ये बहुत फेमस है, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी विधि है जो मातृभाषा का प्रयोग करके लक्ष्य भाषा को सिखाती है, तो आप कहेंगे व्याकरण अनुवाद विधि है। यानी आपकी किताब में अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसका अनुवाद हिंदी में भी साथ साथ है। तो इसमें क्या होता है, आपकी मातृभाषा, भाई आप मान लीजिए इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश क्या है, टारगेट लैंग्वेज, लक्ष्य भाषा है, ठीक, मातृभाषा क्या है, हिंदी। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो इंग्लिश सिखाते समय साथ में आपको ट्रांसलेट करते हुए चल रहे हैं हिंदी में, तो हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसका मतलब मदर टंग का प्रयोग किया जा रहा है, मातृभाषा का भरपूर प्रयोग है, जिससे आप समझ पाए। तो इसमें लेखन और पठन तो अच्छा हो जाता है बट संप्रेषण कौशल आपका अच्छा नहीं हो पाता, है ना। आप लिटरेचर पढ़ लेंगे, साहित्य पढ़ लेंगे, आपको रूल्स पता होंगे, लिखना पढ़ना सुनना और जो बोलना है वो कमजोर रह जाता है बच्चे का, क्योंकि उसने उसको नियम सारे पता है, वो पढ़ लेता है किताब, मीनिंग पता है, सारे नियम पता है, सब कुछ पता है मातृभाषा का, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन यानी अनुवाद होता है, लेकिन परंपरागत विधि है, लेकिन वो क्या नहीं कर पाता, बोलने में उसको दिक्कत होगी, कम्युनिकेशन उतनी स्ट्रांग नहीं होती, संप्रेषण उतना स्ट्रांग नहीं होता। दूसरी विधि जो बहुत महत्वपूर्ण है ये व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये पीडीएफ भी रात को ही आपको मिल जाएंगे, प्री एडमिट कार्ड आया था जो 24 जनवरी को मेरा एग्जाम दिखा रहा था, बट अभी हटा लिया, तो मैं मान के चलूँ कि 29 को ही होगा एग्जाम, हाँ मान के तो यही चलो जहीर, यही मान के चलो इनसे हो गया होगा, और अगर कुछ गड़बड़ हुई होगी तो मानने में क्या जाता है, बाकी अगर कुछ चेंज होगा तो पता लग ही जाएगा पहले ही। प्रत्यक्ष विधि की अगर हम बात करते हैं, इसको अंग्रेजी में डायरेक्ट मेथड कहते हैं, अब तो हिंदी इंग्लिश अलग छोड़ी नहीं है इन्होंने, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब तो नागराज उसके लिए आपको ऑफिस चले जाइए, अगर आपका पेपर, आप पहले तो पेपर दे लीजिए, ऑफिस चले जाइए फिर, और समय है कल का तो पहले ऑफिस चले जाइए, मतलब सीबीएसई के। प्रत्यक्ष विधि की अगर हम बात करें, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी, डायरेक्ट मेथड की, तो व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण, यानी बहुत सारी सीमाएं थी, बच्चा बोलना नहीं सीख पा रहा था, सुन की भाषा नहीं समझता था, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट सिखाएंगे, यानी वो कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, मातृभाषा के बिना प्रयोग के, उसको बिना यूज किए डायरेक्ट लैंग्वेज सिखाई जाती है, डायरेक्ट कौन सी भाषा, लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है, यानी अगर अंग्रेजी सिखा रहे हैं तो अंग्रेजी के माध्यम से ही सिखाएंगे, किसी अंग्रेज टीचर को भी रख देंगे, है ना, या स्कूल में हिंदी अगर बोल दी तो 5 रुपए फाइन है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, इंग्लिश को इंग्लिश से ही सिखा रहे हैं, 4 दिन में अपने आप धीरे धीरे आ जाएगी, शुरुआत में तकलीफ होगी, तो इसके लिए टीचर बहुत प्रोफिशिएंट चाहिए, बेहतर चाहिए, ठीक है ना, पारंगत चाहिए। तो प्रत्यक्ष विधि क्या है, डायरेक्ट उसी भाषा से, लक्ष्य भाषा से ही लक्ष्य भाषा को सिखा रहे हैं, मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता, तो इसमें उच्चारण और वार्तालाप जो है बेहतर हो जाता है, मौखिक वार्तालाप की विधि भी कह देते हैं इसे, और शिक्षार्थी की मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना, यानी व्याकरण अनुवाद में क्या था, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाते हैं, एक पुल की तरह यूज करते हैं मदर टंग को, और उसमें ट्रांसलेट कर करके, अनुवाद कर करके समझते हैं, जैसे कि हमने आज तक ग्रामर पढ़ा है, आप यूपी बोर्ड की कोई भी किताब उठा लीजिए, सब में ऐसे ही होता है। हम तो क्या पढ़ते थे, जब इंग्लिश पढ़ते थे तो हिंदी में मीनिंग लिखते थे, है ना, कि पीछे जो पार्ट के आपके लेसन के जो भी वर्ड मीनिंग होते थे तो उनको हिंदी में मीनिंग लिखते थे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, दिल्ली आए, हमने देखा यार हिंदी में मीनिंग नहीं देखना होता, इंग्लिश में देखना होता है। तो यहाँ पे मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना, यानी अगर मुझे कोई मीनिंग देखना है किसी वर्ड का तो मैं उसको इंग्लिश टू हिंदी सर्च नहीं करूंगी, मैं इंग्लिश टू इंग्लिश ही सर्च करूंगी, यानी मातृभाषा की मध्यस्थता नहीं है किसी बात को समझने में यहाँ, तो इतना हमें ध्यान रखना है, आगे बढ़ना है, चलते हैं। सम्मिश्रण विधि है ये, जोड़ जाड़ के सबको मिश्रण बना करके और एक शेक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करती है। इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यावहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है, यानी जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं। और अगर हम बात करते हैं किसकी, सेकेंड पॉइंट की, तो इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप, यानी जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मान लीजिए आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस तरह से ही लैंग्वेज को सीखते हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, उसी तरह से प्लान किया जाएगा, उसी तरह से जो भी आपका लक्ष्य है भाषा को सीखने का, उसी विधि का हम यहाँ पालन करते हैं कि भाई आप मान लीजिए किसी एक इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उस तरह पे वहां पे जो जरूरी मेथड होगा उसको अपनाएंगे, अगर आप कहीं एसे राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको अपनाएंगे, तो जो जरूरी हो, एक्लेक्टिक मेथड कह देते हैं इसको। संप्रेषण विधि क्या है, कम्युनिकेशन टीचिंग, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया है, नेचुरल विधि है एकदम। प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाते हुए संप्रेषण परक विधि का विकास हुआ, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन, बच्चा थोड़ा बहुत गलत भी बोले तो चलेगा इस मेथड में, क्योंकि बोलने पे फोकस है, उसके अभिव्यक्ति पे फोकस है, उसके एक्सप्रेशन पे फोकस है कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस तो करे कम से कम, ठीक है ना। फिर आते हैं भाषा प्रयोग, यानी यहाँ भरपूर मौका दिया जाता है यूज का। हम लोगों क्या है, हमने व्याकरण पढ़ ली, मतलब इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ ली मान लीजिए, तो मौका नहीं मिला बोलने का, बोले किससे, कुत्ते से बात करें अंग्रेजी में, है ना, उसको वैसी सांकेतिक भाषा आती है, वो तो साइन लैंग्वेज से समझता है। अब घर में बाकी किसी को बोलो, दोस्तों को बोलो, वो अलग मजाक उड़ाएंगे, यार अंग्रेज हो रहे हो यार तुम तो, ठीक। तो भाषा प्रयोग का अवसर मिलता है यहाँ, यहाँ भाषा प्रयोग का अवसर मिलता है, सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है, यानी आप ग्रामर अपने आप सीख जाते हैं ऑटोमेटिकली। भाई हम देखते थे ना, जैसे मेरी सिस्टर है, उन्होंने अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की है बचपन से ही, तो ग्रामर एज सच बहुत टिपिकल ग्रामर उन्होंने कभी नहीं पढ़ी, बट इंग्लिश में उनके नंबर हमेशा बेहतर आते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या कुछ हो, क्योंकि वो सेल्फ से सीख जाते हैं इस तरह के लोग। ऐसे मेरा एक फ्रेंड था, वो MA मतलब होता है CGL के थ्रू होता है MA, तो उसके पता नहीं 195 या पता नहीं कितने नंबर आए थे, और अलग से व्याकरण उसने नहीं पढ़ी थी कभी। तो ऐसे ऐसे खतरनाक लोग हैं, क्यों, क्योंकि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग से सीख लिया है, तो भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना है। अब किताबें पढ़ी हैं बचपन से, स्टोरीज देखी हैं, मूवीज देखी हैं, तो वो सेट हो जाता है दिमाग में, ठीक है ना, क्लियर बात है। अच्छा सुमन जी, खाना आप समय से खा लीजिए, बहुत दिक्कत में है यहाँ पे विनोद व्लॉग्स, पढ़ाई कर लीजिए और साथ में ठीक। चलिए आते हैं, तो भाषा प्रयोग सीखने में भाषा की संरचना, यानी जब बच्चा लैंग्वेज को यूज करना सीख जाएगा तो वो नियम अपने आप सीख जाता है ना, चाहे वो कहानी पढ़ रहा हो, कोई नॉवल ही पढ़ रहा हो, लेकिन वो यूज करना सीख रहा है, यानी बोल करके प्रयोग में ला करके भाषा को सीखना, ठीक है ना। अब आते हैं आगमन विधि पे। आगमन मतलब इंडक्टिव मेथड, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, एग्जाम्पल टू रूल, विशिष्ट यानी स्पेसिफिक। देखिएगा एग्जाम्पल स्पेसिफिक होता है, जब मैं बात हिमांशी की करूंगी तो ये स्पेसिफिक हो गया, जब मैं बात सभी लड़कियों की कर रही हूं तो वो सामान्य हो गया, तो विशिष्ट से सामान्य जाते हैं यहाँ, ठीक है ना। उदाहरण यानी एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं आगमन में। निगमन की जब हम बात करते हैं डिडक्टिव मेथड की, तो नियम से उदाहरण की ओर, यानी पहले नियम बताया जाएगा आपको, जैसे व्याकरण पढ़ाते समय कई बार निगमन विधि का प्रयोग करते हैं कि आपको संज्ञा का नियम बता दिया गया, बाद में उदाहरण प्रैक्टिस कर रहे हैं। गणित में भी इसका काफी प्रयोग होता है। सामान्य से विशिष्ट यानी जनरल टू स्पेसिफिक, पहले नियम हमेशा सामान्य होगा, फिर विशिष्ट उसके उदाहरण होंगे। क्लियर है बात। शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है, ये हमें पता है, जॉन डूई ने कहा है। एक त्रिकोण के एक सिरे पे है टीचर, दूसरी ओर है अध्यापक और तीसरी ओर है विषय वस्तु या वातावरण। क्लियर है ये बात, जॉन डूई। अगर हम बात करें दो द्विध्रुवीय की, तो वो दिया है किसने, एडम्स ने, जिन्होंने एक तरफ टीचर को रखा, दूसरी तरफ बच्चे को रखा, लेकिन जॉन डूई ने कहा इसमें एनवायरमेंट या कंटेंट या करिकुलम भी महत्वपूर्ण है। ठीक, शिक्षण सूत्र की बात कर लेते हैं। बच्चे को आपको ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना होता है, यानी जो वो पहले से जानता है, जो पूर्व ज्ञान है उससे नवीन ज्ञान को जोड़ना होता है। उससे भाई नींव पे ही तो बिल्डिंग बनाएंगे या ऐसे ही बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो पूर्व ज्ञान है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो ओल्ड नॉलेज है, जो प्रीवियस नॉलेज है, उससे कनेक्ट करते हैं जब भी हम नया सिखाने जाते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। हम ले जाते हैं, मूर्त क्या चीजें हैं, जिनको टच किया जा सके, जिनको देखा जा सके, जिनको डायरेक्टली महसूस कर सकते हैं। अमूर्त में ये विचारों की बात है ना। प्यार क्या है, अमूर्त है, देखा है किसी ने, है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं ऑनेस्टी की, ऐसे जो आइडियाज में हो, जो थिंकिंग में हो, वो अमूर्त। और मूर्त क्या है, जिसको आप टच फील कर सको, जैसे ये पेन क्या है, मूर्त है, वहीं आप मन में कुछ सोच रहे हैं, वो अमूर्त है। सरल से जटिल, पहले सरल चीजें, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, ये सभी सब्जेक्ट्स पे लागू होती है ये बात। सरल से जटिल की ओर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो बेसिक बात है कि एक 3-4 प्रकार है। एक है दृश्य सामग्री, जिसमें देख करके, जैसे चार्ट पेपर है, कोई कुछ और इस तरह का आपका चार्ट है, ग्लोब ले गए, ग्लोब तो खैर 3D हो जाएगा। तो अगर हम बात करें जिसमें भी दृश्य हो, जैसे आपके वो आते थे छोटे छोटे क्या कहते हैं उनको, कोई तो कार्ड्स आते थे जिनको हम लोग लगाते थे, आप लोगों ने यूज की होंगी ये चीजें, तो या फ्लैश कार्ड्स बोलते थे उनको, याद आ गया मुझे। तो दृश्य सामग्री यानी जिसमें देख करके सीखे बच्चा, तो ये चार्ट पेपर हो सकता है, फ्लैश कार्ड्स हो सकते हैं। श्रव्य सामग्री जिसमें सुने, ये लिंगुआ फोन हो सकता है, कोई ऑडियो रिकॉर्डर हो सकता है, रेडियो हो सकता है, सुन करके सीखेगा। दृश्य श्रव्य क्या है, दृश्य श्रव्य वो है जिसमें देख भी सके और सुन भी सके, जैसे टेलीविजन, जैसे कंप्यूटर भी हो सकता है आज के समय में। क्रिया सहायक सामग्री यानी जिसमें बच्चा एक्टिविटी भी कर पाए, कुछ फील्ड ट्रिप पे ले गए आप बच्चे को, क्रिया सहायक है, इसमें बच्चा सक्रिय है। ठीक, तो आपको फोकस करना है, मान लीजिए किसी बच्चे को देखने में समस्या है, तो आप उसके लिए श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हैं, या फिर आप उसके लिए क्रिया सहायक सामग्री जिसमें टच और फील दोनों किया जा सके। ब्रेल लिपि वगैरह हमने पढ़ा है, 6 डॉट पे आधारित होती है। ठीक, श्रव्य सामग्री। अब जिसको सुनने में दिक्कत है उसके लिए दृश्य सामग्री। नॉर्मली आप दृश्य श्रव्य दोनों का प्रयोग करते हैं ताकि हर तरह के बच्चे को सिखाया जा सके। तो ये हम समझ चुके हैं, तीनों एक ही जगह पे, इनको अलग अलग से समझने की अभी आवश्यकता नहीं है। जैसी नीड होगी, जैसी आवश्यकता होगी क्लासरूम में, वैसे आप सामग्रियों का, मल्टीपल सामग्रियों का आप प्रयोग करते हैं, शिक्षण की सामग्रियों का। बहुत बढ़िया, किसी का कल एग्जाम है, मजे के लिए मूवी की तरह देख रहे हैं, सही है। मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण, इसको ध्यान रखेंगे, इंग्लिश के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इवैल्यूएशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है ये सतत होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, सतत एवं व्यापक, यानी होलिस्टिकली। ये तो आपकी एनईपी भी कह रही है ना, होलिस्टिक असेसमेंट। होलिस्टिक बोले तो सर्वांगीण, यानी हर एक पक्ष में। करिकुलर यानी पढ़ाई लिखाई, पेन पेपर भी, और को करिकुलर यानी सहगामी, दौड़ना, भागना, कूदना, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, फलाना ढिमकाना सब आ जाएगा। तो होलिस्टिक मतलब सर्वांगीण या समग्र रूप में हम बच्चे का मूल्यांकन कर पाए। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण है आपका रेमेडियल टीचिंग, या अगर हम बात करते हैं उपचारात्मक की, तो इसमें वैसे 2 प्रक्रियाएं आती हैं। एक होता है डायग्नोस्टिक टीचिंग, यानी डायग्नोज करेंगे, यानी आप पता लगाएंगे कि रीजन क्या है, पता लगाएंगे कि रीजन क्या है। टॉप डाउन और बॉटम अप मैंने इंग्लिश में पढ़ाई थी, अगर वो आपको डायरेक्ट मिलती है जाकर के आप उसको पढ़ लीजिए, इंग्लिश पेडागॉजी 1 शॉट में बताया था। ठीक है ना, क्लियर है? क्लियर? स्टडी छोड़ दी, आपके साथ स्टडी करना अच्छा लगता है, एंटर नहीं दिखा रहा है। चलिए फिर तो कोई बात नहीं, और मिला समय है आपके पास, पढ़ते रहिए। अभी तो हम डेली क्वेश्चंस भी करते रहेंगे, डोंट वरी। और कल जिनका पेपर है वो एक बार आके बता भी देंगे कमेंट करके, मेल करके himanshi.edu10@gmail.com, और नंबर मैंने आपको पिछले सेशन में दिया था उस पर, ताकि बाकी लोगों को आने वाले समय में हेल्प मिल सके। तो एक एनालिसिस 9 बजे रखेंगे। उपचारात्मक शिक्षण, यानी इसमें एक चीज होती है निदानात्मक या निदानात्मक परीक्षण, यानी जिसमें आप गैप्स का पता करते हैं। निदानात्मक परीक्षण यानी आप क्या करते हैं, जो गैप्स हैं, जो कमियां हैं, जो कमियां रह गई हैं उनको जानते हैं और बाद में उपचार देते हैं, रेमेडियल टीचिंग देते हैं। तो पहले निदान करते हैं, पहले समस्या का पता लगाते हैं बच्चे की, और फिर बाद में उपचार देते हैं या रेमेडी करते हैं। दोबारा पढ़ाएंगे, नए ढंग से पढ़ाएंगे, जहां समस्या है उसको दोबारा से सॉल्व कराएंगे, वॉट एवर। तो ये ध्यान रखना है, पहले डायग्नोज यानी पहले निदान किया जाएगा फिर उपचार किया जाएगा। ठीक है ना, उपचारात्मक लिख दिया मैंने उपचार की जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपलब्धि प्रश्न पत्र, अचीवमेंट टेस्ट आपने सुना होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही। इस बार की जो पेडागॉजी ना वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। जो चीजें आपने मान लीजिए, जैसे उपलब्धि परीक्षा मैंने इंग्लिश में नहीं पढ़ाया बट इंग्लिश वालों से पूछा जा सकता है, तो आपको इसलिए पता होनी चाहिए चीजें। तो उपलब्धि परीक्षा की जब हम बात कर रहे हैं, अचीवमेंट टेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये टीचर बनाते हैं। इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, यह है अनुमान लगाना, ये पता लगाना कि जो शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा, यानी जो उद्देश्य सेट हुए थे। पढ़ाते समय हम देखते हैं ना 6th क्लास में बच्चों को ये आना चाहिए, यानी उद्देश्य है कि उस पाठ से क्या सीखेगा। तो वो जो भी सीखा पढ़ा बच्चे ने साल भर, वो उद्देश्य प्राप्त हुए टीचिंग के, जिनके लिए टीचिंग कराई गई थी, जिनके लिए सिखाने के लिए जो चीजें पढ़ाया जा रहा था क्या वो सीखी, उनकी उपलब्धि किस स्तर तक हो पाई, ये उपलब्धि प्रश्न पत्र जांचता है। भाषा कौशलों को कहां तक सीख पाया बच्चा, और उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया है, यानी जो भाषा कौशल हैं वो किस हद तक सीखे उसने, कितनी पारंगतता है, कितनी अचीवमेंट है, और जो उद्देश्यों की प्राप्ति किस हद तक हुई है। तो ये उपलब्धि परीक्षा या उपलब्धि प्रश्न पत्र देखता है। अब आती है दक्षता परीक्षा, यानी प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी पारंगतता को देखती है, प्रोफिशिएंट कितने हैं आप किसी काम को करने में, मास्टरी आपके पास कितनी है, उद्देश्य कितने हासिल हुए हैं, वो सब ठीक है भाई हमने देख लिया। कौशल कितने आते हैं, बच्चा अपने आप को लिख लेता है ना, अपने आप को व्यक्त कर देता है, आंसर कर देगा क्वेश्चन के जो चैप्टर्स पढ़ाए हैं, लेकिन कितना बेहतर कर पाएगा ये हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट में देखते हैं। तो इसमें यह है इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहां तक समझ पाया है और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है, टू विच एक्सटेंट ही इज प्रोफिशिएंट इन अ लैंग्वेज और इन लैंग्वेज स्किल्स। स्किल्स क्या है, लिखना पढ़ना बोलना सुनना, यही सभी है आपकी सुबो पाली या LSRW। तो प्रोफिशिएंसी कितनी है वो एक बेसिक सी बात है। आगे बढ़ते हैं, अभिरुचि परीक्षा होती है, ये बस आप जान लीजिए, ये जनरली नहीं पूछा जाता उतना। अभिरुचि परीक्षा है एप्टीट्यूड टेस्ट, आपका किस क्षेत्र में आपके अंदर क्षमता है। तो आपका अगर स्पोर्ट्स में एप्टीट्यूड है तो आपको उस तरह से उसमें ट्रेनिंग दिलवाएं, अगर आप हिंदी में बहुत अच्छा, भाषण में बहुत अच्छे हैं तो उस तरह से दिलवाएं। तो एक परीक्षा ली जाती है जिससे आपके एप्टीट्यूड का पता लगे कि आप शिक्षण में अच्छे हैं, जिसमें भी अच्छे हों उस तरफ आपको ले जाया जाए। अब बहुभाषिकता पे एक क्वेश्चन आता ही है, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ये अंत ही है, फिर आप सो सकते हैं अपने घर जा करके। बहुभाषिकता की जब हम बात कर रहे हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, ये एसेट है, अंग्रेजी में हिंदी में जिसमें मन करे लिख लीजिए, यानी संसाधन है, एक रिसोर्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है भाषाई विविधता या बहुभाषावाद। हमें पता है लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, भारत में बोला जाता है कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे वाणी, यानी भाषा बहुत तेजी से चेंज होती है। 1600+ भाषाएं और डायलेक्ट जो है वो बोले जाते हैं। शिक्षा में द्विभाषावाद पे भी हम चर्चा करेंगे, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या है, बाइलिंगुअलिज्म कहते हैं द्विभाषावाद को। आपका जो इंग्लिश पेडागॉजी का 1 शॉट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन है जिसका आंसर बाइलिंगुअल ही था, वो मैंने गलती से शायद मल्टीलिंगुअल या कुछ बताया होगा, तो मैंने वो आंसर लेकिन सही मार्क किया था आपके नोट्स में, तो उसको भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी तरफ से जरा सा भी कुछ होता है तो मैं पूरी जिम्मेदारी लेके आपको कोशिश करती हूँ कि अपडेट कर दी जाए वो बात, क्योंकि कुछ लोगों का ध्यान भी नहीं गया होगा। सेलेक्टेड पहली भाषा मराठी है और दूसरी भाषा हिंदी है, तो आने वाले पैसेज और पोएम के प्रश्न इनसे सॉल्व करने पढ़ने होंगे ना। हाँ बिल्कुल सचिन, प्रीवियस ईयर उठा के उस हिसाब से जो लैंग्वेज 1 वहां पे दी हुई है। तो भाषाई विविधता यानी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एक अच्छी बात है, एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। बहुभाषावाद भी क्या है, बहुभाषिकता या बहुभाषिकतावाद भारतीय अस्मिता का अभिन्न अंग है, यानी जो हमारा प्राइड है, जो यूनिटी है लैंग्वेज की भारत में, उसका अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। अलग नहीं कर सकते हम भारत में विविध भाषाओं को या विविधता को, भाषा की यहाँ विविधता पाई जाती है भाषा की। तो ये लाइन एज इट इज पेपर में पूछ ली जाती है कि बहुभाषिकतावाद भारतीय अस्मिता का अभिन्न अंग है। क्या है, अभिन्न अंग है, यानी इंटीग्रल पार्ट है। दूसरी बात, हम बहुभाषावाद को या भाषाई विविधता को, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को, मल्टीलिंगुअलिज्म को एक एसेट, एक रिसोर्स यानी एक संसाधन मानते हैं, एक धरोहर मानते हैं। और जो लेटेस्ट स्टडीज हैं वो ये कहती हैं जो बच्चे दो या दो से अधिक भाषाएं जानते हैं, बोलना पढ़ना, उनकी रचनात्मकता यानी उनकी क्रिएटिविटी, उनका संज्ञानात्मक स्तर यानी उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर होता है उन बच्चों के मुकाबले जिनको मोनोलिंगुअलिज्म यानी सिर्फ एक भाषा आती है। तो बच्चों को तो जितनी भाषाएं हम सिखा पाएं उतना अच्छा है। अच्छा, बहुभाषावाद होती क्या है? जब आप एक भाषा से शुरुआत कर रहे हैं, मातृभाषा से, और धीरे धीरे बहुत सारी भाषाएं जो भी क्लासरूम में बोली जा रही है बच्चा उनसे भी सीख रहा है ना, और मल्टीपल भाषाएं उसके सामने आ गई, तो बहुभाषितावाद है। जब आप मातृभाषा से शुरू करके लैंग्वेज 2 यानी जो भी स्कूल की भाषा है उसको सीख रहे हैं, तो जब टीचर आपको इनपुट देने लगे लैंग्वेज 2 में, शुरुआत कराए लैंग्वेज 1 से, तो वो द्विभाषावाद है। जब कई भाषाओं की बात होगी तो बहुभाषिकतावाद, और जब सिर्फ एक से दूसरी भाषा में जाने की बात होगी तो द्विभाषिकतावाद। तो ये भी कहा गया है जो द्विभाषिकतावाद है, बाइलिंगुअलिज्म है, ये आपके संज्ञान के लिए अच्छा है। भाई दो मतलब जो एक से अधिक भाषा यदि किसी को आ रही है तो वो अच्छा है। तो बाइलिंगुअलिज्म आपके संज्ञान यानी आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी क्षमताओं को बेहतर करने के लिए बेहतर है। तो द्विभाषा भी अच्छा है, बहुभाषा भी अच्छा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से भाषा सीखते हैं जब वो क्लासरूम में आते हैं, और जो मातृभाषा है वो हमारे लिए बेहतर ही होती है, दूसरी भाषा को सीखने में मदद करनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है पाठ्यपुस्तक बहुत सारे संसाधनों में से एक संसाधन है, और पाठ्यपुस्तक हमें जो अनिवार्य है, जितना जरूरी है पढ़ना, एटलीस्ट वो तो एक जगह पे प्रोवाइड करा ही देती है, ठीक है ना। तो पाठ्यपुस्तक सब कुछ नहीं है, सर्वे सर्वा नहीं है, पाठ्यपुस्तक वन ऑफ द रिसोर्सेज है जिसका प्रयोग हमें करना है। इसके अलावा भी हम बहुत सारी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं सीखने और सिखाने के लिए, बट ये क्या होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक पक्ष में लिखी जानी चाहिए, बच्चे के साइकोलॉजिकल लेवल को ध्यान में रख करके लिखी जानी चाहिए। दूसरा, सिर्फ परिभाषाओं पर आधारित ना हो, सक्रिय रखे बच्चे को, बच्चा समझ पाए चीजों को। और इसके अलावा भी हम बच्चों को एक्सप्लोर करने को कह सकते हैं चीजें। ये थी आज की कहानी। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हिंदी के विषय में क्या सही है, फटाफट से बताएंगे और जवाब दीजिएगा। आज स्पीड मैंने बहुत पुराने जमाने में 5-6 वर्ष पहले की बात है जब मैं इस स्पीड में पढ़ाती थी, वो तो मैंने बीच में रोक लिया। कोई कह रहा है 11 बजे का कल एग्जाम है, बस छुट्टी कर रहे हैं 10 मिनट में, कहा था ना 11 बजे फ्री कर देंगे। 105 आ रहा है, रोशन बढ़ जाएगा ये, डोंट वरी। अब देखो किस सेक्शन में कमी है, अगर नंबर कमा रहे हैं किसी के तो मूड बना देते हो क्लास में, वाह मजा आ गया, बहुत बढ़िया रहा, जबकि आज तो मैंने बहुत सीरियस ली है चीजें। चलिएगा, तो हिंदी भाषा के विषय में क्या सही है ये पूछा है हमसे, तो क्या सही है? 2 रिवीजन इस सेशन के लोगे, पीडीएफ पढ़ लोगे, नोट्स फ्री दिए हैं उनको पढ़ लोगे, थोड़ा प्रीवियस ईयर कर लो, समय है तो, अदरवाइज समय नहीं है जिसके पास सिर्फ इतना पढ़ जाओ, समझ बन जाएगी, और समझ बन गई तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा नया क्वेश्चन भी, ठीक है ना। हिंदी के विषय में क्या सही है? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, अभी तो बताया था कोई भी राष्ट्रभाषा भारत की नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारे यहाँ, यही क्वेश्चन इंग्लिश में भी आ सकता है। हिंदी भारत की राजभाषा है, क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये बात एकदम सही है। अनुच्छेद 343(2)(1) के तहत, आर्टिकल 343(1) के तहत भारतीय जो आपका इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, राजभाषा अधिनियम जो है आपका 1963 वाला, उसके तहत भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। हिंदी संपूर्ण भारत की मातृभाषा है, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, पूरे भारत में मातृभाषा। ऐसे भी लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती, आप साउथ इंडिया में चले जाइए, उनकी मातृभाषा तो नहीं है हिंदी, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा आएगा पवन वहां पे, और अपने सेक्शन, जिस सेक्शन में कमजोर नंबर कम आ रहे हैं उसको बेहतर करो। इंग्लिश मीडियम के नोट्स और हिंदी मीडियम के नोट्स, मैथ्स पेडागोजी के, इंग्लिश के, ईवीएस के, ये रात को अभी भेज दूंगी मैं सेशन खत्म होते ही, ठीक। नोट्स ऐसे हैं कि आप सारे नोट्स पढ़ लोगे ना एक दिन में, 3-4 घंटे में पढ़ लोगे सारे नोट्स, और अगर जिसने पहले से पढ़ रखे हैं वो तो फटाफट से रिवाइज कर देगा। इनमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा सुझाया गया? अब यहाँ पे इस बार ये भी क्वेश्चन था इंग्लिश में कि जो वो हमारी भारत की जो पॉलिसी है, कौन सी इंडियन पॉलिसी है जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करती है, तो आपको पता होना चाहिए या हमारे यहाँ कौन सा एक नियम है, कौन सी पॉलिसी है जो लैंग्वेज की बात करे, तो वो त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, जो कोठारी आयोग में सुझाव जिसका आया था 1964-66 में। इसको फिर आगे एनईपी 1986 में भी रखा, 1992 में भी रखा, और अभी भी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली वो भी इसको समाहित करती है। तो ये कोठारी आयोग में सबसे पहले इसकी बात हुई थी। इसमें क्या है, पहले मातृभाषा बच्चों को, फिर इंग्लिश, अगर मातृभाषा इंग्लिश नहीं है तो मातृभाषा इंग्लिश या कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, और थर्ड भी क्या है, अगर इंग्लिश सेकंड पे पढ़ा दिया तो थर्ड पे कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जो 22 भाषाएं हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? फटाफट से बताएंगे कौन सा कथन सही है। भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन। अर्जन मतलब अर्जित करना, अर्जित करना हमेशा क्या होता है? सहज होता है। ठीक। भाषा अधिगम, अधिगम में एफर्ट लगता है, सीखने में एक प्रयास लगता है, प्रयासपूर्ण है। दोनों ही बातें सही हैं, तो ए व बी दोनों सही हैं, बोथ सही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? प्राइमरी लेवल पे देखिएगा, भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, भाषा शिक्षक होगा ये मेरे ख्याल में, या भाषा शिक्षण यानी पढ़ाने का तरीका, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, या कक्षा में लिखित आकलन। ध्यान रखिएगा, प्रिंट रिच एनवायरमेंट। लैंग्वेज को सीखने में एनवायरमेंट का रोल सबसे ज्यादा होता है। आप क्लास में गए हुए हैं, यहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, गेट पे कुछ और बना हुआ है, कोई कहानी कविता प्रिंट कराई हुई है, तो प्रिंट रिच एनवायरमेंट बहुत अच्छा होता है लैंग्वेज के लिए, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। तो समृद्ध परिवेश, कॉन्ड्यूसिव, बेहतर, एनरिच्ड एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है, यानी बच्चे जो हैं वो बोलचाल की भाषा का अनुभव उनको होता है जब वो स्कूल में आते हैं, इसका मतलब क्या है ये पूछा है। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर, यानी इतनी उनको बोलचाल की भाषा आती है जब वो स्कूल में आते हैं, अपने बात को कह सकते हैं। तो बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, इसका मतलब ये थोड़ी कि अब भाषा और बेहतर नहीं सिखा सकते। ठीक, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग। भाई बच्चा जो भी अनुभव घर से लेके आता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं हम, यानी नोन टू अननोन जाते हैं, तो जो भी बच्चा जानता है उसका तो उचित प्रयोग करना है ना। वो तो आपके लिए एक टूल हो गया जिसका आप प्रयोग करके उसको बाकी चीजें सिखाएंगे। उसकी प्रीवियस नॉलेज, जो भी बच्चा घर से लेके आता है, वो सारे अनुभव प्रयोग में लाने, उनका उचित प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि अनुभवों, बच्चों के भाषा अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, क्यों भाई, रोबोट थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? फटाफट से बताइएगा। संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, सबसे महत्वपूर्ण। देख लो बच्चा कहाँ पे एक्टिव है, सबसे ज्यादा बच्चा एक्टिव होगा सामाजिक अंतःक्रिया में, यानी सबसे ज्यादा जो एक्टिव है वो सामाजिक अंतःक्रिया में है। बाल साहित्य वो खुद से पढ़ेगा, सामाजिक अंतःक्रिया में चार लोगों से वो बात कर रहा है या सुन रहा है उनको, तो वो सबसे ज्यादा एक्टिव सोशल इंटरेक्शन में है, और वाइगोस्की ने भी यही कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वाइगोस्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है, व्यवहारवादी, समाज, सामाजिक, सांस्कृतिक। क्या आपको पता है वाइगोस्की क्या है? सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट है। प्याजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, यानी दोनों, इन्होंने सामाजिक संरचनावादी, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सोशियो कल्चरल अप्रोच, कि समाज और संस्कृति से हम भाषा सीखते हैं और हमारे संज्ञान का विकास होता है। संज्ञानवादी नहीं है, कॉग्निटिविस्ट नहीं है, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, यानी सामाजिक रचनावादी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? यह एक सह प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, यह एक सह प्रक्रिया है। बताइए, अर्जित करने के संदर्भ में देखो ये क्या है, ये नियम बनाना नहीं सिखाया जाता। घर पे आपको नियम बनाना सिखाते हैं जब आप बोलना सीखते हैं, नहीं, सहज प्रक्रिया है, आत्मसात कर लेते हैं, अपने आप से नियम भर जाते हैं आपके अंदर, है ना। तो ये सहज होगा, ये सहज नहीं होगा, सह नहीं होगा, सहज होगा। तो लास्ट वाला ही गलत था। सिर्फ भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार, यानी लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन में मेन डिफरेंस क्या है ये पूछा है। पुस्तकें, मैंने आपको बताया है, बहुत बार बताया, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। लिखना, परिवेश, मुख्य अंतर है परिवेश। अगर आपको एनवायरमेंट मिल गया तो उसी भाषा को आप अर्जित कर लेते, उसी को आप एक्वायर कर लेते। सारा खेल एनवायरमेंट का है। अगर आप अमेरिका में रहते, आपके आसपास अंग्रेजी भी बोली जाती, तो आप हिंदी भी अर्जित कर लेते और इंग्लिश भी एक्वायर कर लेते, अर्जित कर लेते। तो उपलब्ध परिवेश का अंतर है, ये सारी चीजें मेन डिफरेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, भाषा सीखने के कौशलों का सही क्रम है, यानी सही क्रम क्या है? भाषा सीखने के कौशल यानी लैंग्वेज स्किल्स का SUBOPALI LSRW। ठीक, पढ़ना लिखना, भाई सुनना, SUBOPALI, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो ये सही क्रम है, ये मनोवैज्ञानिक क्रम है, एकदम सही क्रम है। लेकिन सिर्फ क्रम में ही सिखाए, इसी क्रम में जाने चाहिए, लेकिन सिर्फ क्रम में ही सीखे जाते हैं वो कहना गलत होगा, क्योंकि क्रम इधर उधर भी हो सकता है। लेकिन क्रम जो सही क्रम है, मनोवैज्ञानिक क्रम है, वो डी ही है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। श्रवण कौशल को सीखने के चरणों का सही क्रम है, यानी आप श्रवण कौशल समझ लो ना, लिसनिंग स्किल्स। सही क्रम क्या है? ध्वनियों का कानों तक पढ़ना, प्रयोग, अर्थग्रहण, अर्थग्रहण, ध्वनियों का कानों तक पढ़ना, प्रयोग, ध्वनियों का कानों तक पढ़ना, ध्वनि का कानों तक पढ़ना, अर्थग्रहण और प्रयोग करना। जो मन करे आप बता दीजिए फटाफट से, क्या होगा? डी ऑप्शन। भाई पहले ध्वनि कानों तक जाती है, अर्थग्रहण करते हैं और फिर प्रयोग कर पाते हैं, ठीक है ना। पहले प्रयोग कैसे कर लोगे? तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, लेखन कौशल, ये लास्ट क्वेश्चन है, लेखन कौशल से संबंधित दोष है, लिखने से संबंधित विकार या प्रॉब्लम या डिसेबिलिटी। तो डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलिया है, अफेजिया है, डिस्फेजिया। लिखना, लिखना हमेशा ग्राफ से संबंधित होता है, कैलकुलिया तो गणित से संबंधित होगा, कैलकुलेशन से, अफेजिया समझने से संबंधित है, डिस्फेजिया अगेन समझने से ही संबंधित है। ठीक, तो ये डिस्ग्राफिया है, किससे? डिस्ग्राफिया है। तो आउट ऑफ 12 कितने ठीक हुए वो आप बता दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, इनका कल पेपर है, घबराना आपने नहीं है, आपने इतनी ऑनलाइन वीडियोस देखी हैं, आप ऑनलाइन स्क्रीन पे पेपर देख के आप नहीं घबराएंगे। अपना ज्यादा ज्ञान किसी से लेना नहीं है, कोई ज्ञान दे पेपर में आसपास करे, भाई मेरे से अपना नहीं समझ रहा, बाद में बात करेंगे पेपर के बाद, अभी मैं आपको नहीं जानता या जानती, ठीक है ना, और जानना भी नहीं चाहता। चाहे आप लेट्स लर्न से पढ़ते हो, चाहे आप दुनिया के किसी कोने से पढ़ते हो, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले पेपर दे लेता हूँ या दे लेती हूँ। ठीक, तो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में एंक्शस नहीं हो जाना है, नॉर्मल रखना है अपने आप को, और पेपर आपके सामने ही वहीं पे आंसर है, आपको खुद से नहीं बनाना आंसर, बस पहचानना है आपको, और वो पहचान लोगे आप यदि इतनी पढ़ाई आपने कर ली है, नोट्स पढ़ लिए हैं, ये मैराथॉन्स देख लिए हैं, है ना, तो आप बेहतर ही करेंगे, घबराना नहीं है आपने। अगेन 12 आउट ऑफ 12, 11 आउट ऑफ 12, बहुत बढ़िया। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे, कल एक तो एनालिसिस करेंगे, जिनका भी पेपर है मैंने नंबर आपको बताया वो उस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, लास्ट वीडियो में बताया, एक बार देख लेना, नहीं तो मेल कर देना, नहीं तो कमेंट में आके बता देना कि जो जो क्वेश्चन आपको याद रह जाएं। और परसों हम मैथ्स पेडागॉजी जहाँ तक है वन शॉट करेंगे, और नोट्स वगैरह आपको मिल गए हैं सारे। ऑल द बेस्ट, बहुत पढ़ाई हमने कर ली है, इनफ है इतनी पढ़ाई सीटेट के लिए, जरूरत से ज़्यादा पढ़ा है इस बार हमने, है ना। ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय। बस समझ के क्वेश्चन पढ़ते समय समझ जरूर लेना, पूरा क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ा, पूरे आंसर्स या ऑप्शंस आपने नहीं पढ़े, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव देख के आंसर मार्क कर दिया, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। बाकी ऑप्शंस भी पढ़ने, जो बेस्ट है वही ऑप्शन सही है, जिसमें बच्चा ज्यादा एक्टिव है वही ऑप्शन सही है, बस बशर्ते नहीं ना लिखा हो। और किन बातों का ध्यान रखेंगे मैंने आपको बता दिए हैं चीजें। चलिए ध्यान रखते हैं, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना, ऑल द बेस्ट, कल मिलेंगे।